हाय वेलकम गॉड फ्रेंड, वेलकम नेक्स्ट वीडियो इन द व्हाट्सएप क्लोन मन स्टैक प्रोजेक्ट सीरीज। यहाँ पे लास्ट थ्री वीडियोस में हम काफी कुछ कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने यहाँ पे ये वाला फ्रेम बनाया था, जहाँ पर हमने गूगल ऑथेंटिकेशन को ऐड किया था। अगर मैं यहाँ पे आपको इसको चला के दिखाऊँ तो ये मैंने यहाँ पे अपने किसी भी गूगल अकाउंट से लॉग इन किया है, और फिर यहाँ पे ये चैटिंग एप्लीकेशन खुलेगी, जो हमारा पूरा चैट वाला फ्रेम है यहाँ पे वो खुल जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर ये ड्रॉअर बनाया था, ठीक है। ये वाला जो ड्रॉअर है ये हमने लास्ट वीडियो में बनाया था। अगर आप बाहर क्लिक करोगे तो ये बंद भी हो जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ से भी खोल सकते हो, बाहर क्लिक करोगे तो ये बंद हो जाएगा। ये वाला जो काम है ये हमने किया था सेकेंड वीडियो में, और थर्ड वीडियो में हमने यहाँ पर ये ड्रॉअर बनाया था। अब मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, अब मेरे को यहाँ पे आपके जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं उनको यहाँ पे सबको डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। जितने भी यहाँ पे आपके कॉन्टेक्ट्स हैं उन सबको मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। अब यहाँ पे कोई कॉन्टेक्ट एडिंग फीचर नहीं होगा, मतलब जैसे आप व्हाट्सएप में फोन में होता है, फोन में तो आप कोई भी कॉन्टेक्ट सेव करते हो, अगर वो नंबर आपका व्हाट्सएप पे होता है तो वो अपने आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे आ जाता है। बट यहाँ पे मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे मैं फोन में अपने आपके कॉन्टेक्ट्स को सेव नहीं करवा रहा हूँ। यहाँ पे प्योरली जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो गूगल ऑथेंटिकेशन बेस्ड है। तो मैं यहाँ पे ये चेक करूंगा कि अगर जितने भी बंदे गूगल ऑथेंटिकेटेड हैं, जितने बंदों ने मेरी इस एप्लीकेशन पे लॉग इन किया हुआ है, या जितने बंदों का अकाउंट है मेरे यहाँ पे इस वाले उस पे इस वाली एप्लीकेशन पे, उन सभी यूजर्स को मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाऊंगा, ठीक है। तो जितने भी मेरे पास यहाँ पे अकाउंट्स हैं, गूगल अकाउंट्स, उन सबको मैं यहाँ पे अपने मोंगोडीबी में सेव करवाऊंगा, और फिर मैं मोंगोडीबी में सेव करवा के उस डेटा को फेच करूंगा। वो मेरे सभी यहाँ पे यूजर्स होंगे, उन यूजर्स को मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाऊंगा। तो मैं यहाँ पे ये काम करने वाला हूँ। तो मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, मेरे को सबसे पहले तो यहाँ पे कोड में आना पड़ेगा। और कोड में आके अगर आप यहाँ पे एक चीज देखोगे कि हमने यहाँ पे सोर्स फोल्डर के अंदर, कॉम्पोनेंट्स के अंदर, अकाउंट के अंदर हमने यहाँ पे लॉग इन डायलॉग बनाया था, जहाँ पर जितना अगर कोई भी बंदा यहाँ पे लॉग इन कर रहा है तो वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ऑन लॉग इन सक्सेस पे यहाँ पे मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन आई है उस बंदे की, जिसने भी यहाँ पे लॉग इन किया है। तो मैं यहाँ पे अब मेरे पास उस बंदे की इन्फॉर्मेशन तो है जिसने यहाँ पे लॉग इन किया, उस बंदे के पास यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन, तो इस इन्फॉर्मेशन को मैं डेटाबेस में सेव करवा सकता हूँ। मैं इस इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस में सेव करवा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को यही काम करना है, अगर बंदा यहाँ पे लॉग इन कर रहा है तो उस इन्फॉर्मेशन को मैं डेटाबेस में सेव करवा दूंगा, और वहां पे वो मेरे एक यूजर क्रिएट हो जाएगा। दूसरा बंदा अगर लॉग इन करता है तो उस यूजर को भी मैं डेटाबेस में सेव करवाऊंगा, और वो मेरा यहाँ पे सेकेंड यूजर होगा। ऐसे करते करते मेरे पास एक पूरी यूजर्स की लिस्ट बन जाएगी जो यहाँ पे लॉग इन करते जाएंगे। और अगर वो यूजर ऑलरेडी एक्सिस्ट नहीं करता डेटाबेस में तो मैं उसके इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस में सेव करवा दूंगा, और मेरे पास यूजर्स की एक लिस्ट तैयार हो जाएगी जिसको मैं फिर यहाँ पे लाके डिस्प्ले करवा दूंगा, ठीक है। एक सेकेंड व्हाट्सएप और खोल लेता हूँ मैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए आगे जाकर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे को एक एपीआई बनानी पड़ेगी। यहाँ पर मेरे को यहाँ पर अगर डेटा डेटा आपका आता है, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे HTTP क्लाइंट सर्वर का मेरे को यहाँ पे यूज करना है। जो क्लाइंट सर्वर रिक्वेस्ट होती है, क्लाइंट टू सर्वर, मेरे को यहाँ पे एक रिक्वेस्ट मारनी है, और वो हम रिक्वेस्ट मार सकते हैं API की हेल्प से। तो मेरे को जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है उसको मेरे को डेटाबेस में सेव करवाना है, तो मेरे को API के अंदर ये वाली पूरी रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मेरे को उसके लिए एक API बनानी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो, आप यहाँ पे सर्विस पे राइट क्लिक करके यहाँ पे फोल्डर बना सकते हो सर्विस के नाम से। सोर्स पर राइट क्लिक करके आप यहाँ पे एक फोल्डर बना सकते हो सर्विस के नाम से, और यहाँ पे आप एक फाइल बना सकते हो जो कि होगी आपके यहाँ पे API.js, जिसमें आपके सभी यहाँ पे APIs होंगी। KS नहीं बनानी है इसको, यहाँ पे आपको JS बनाना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा API.js, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अपनी सारी APIs बनानी है, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी सारी APIs बना सकते हो, उन APIs को आपको यहाँ पे कॉल भी करना पड़ेगा। तो API कॉल आप कर सकते हो फेच फंक्शन की हेल्प से। हमारे पास यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के काफी सारे फंक्शन हैं, जैसे फेच फंक्शन है, फेच फंक्शन का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट फंक्शन भी हुआ करता था जावास्क्रिप्ट में, बट अब वो डेप्लीकेट हो चुका है। या फिर आप किसी एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी का भी यूज कर सकते हो, जैसे एक्जियोस है, एक्जियोस का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो एक्जियोस को आपको यहाँ पे इंस्टॉल कराना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे सपोज CD क्लाइंट किया, क्लाइंट फोल्डर के अंदर आके आपको यहाँ पे लिखना है इंस्टॉल एक्जियोस। आई होप एक्जियोस का नाम आपने पहले सुना होगा, ठीक है। बहुत एक फेमस एक लाइब्रेरी है जिसकी हेल्प से आप APIs को कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने वो वाली जो लाइब्रेरी है एक्जियोस, उसको मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कराया, एंड ये यहाँ पे शायद इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो चुकी है और इंस्टॉल हो भी चुकी है। तो आप यहाँ पे देखोगे पैकेट और जेसन के अंदर आपके पास यहाँ पे एक लाइब्रेरी आएगी जो कि यहाँ पे होगी आपकी एक्जियोस के नाम से, ये रही, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक्जियोस को इम्पोर्ट करना है। मैंने यहाँ पे एक्जियोस को इम्पोर्ट किया, कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका यहाँ पे एक्जियोस के अंदर से, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे एक यूजर को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे एक API बना रहा हूँ। API का मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ जो कि होगा आपका यहाँ पे ऐड यूजर के नाम से इज इक्वल्स टू, और मैंने यहाँ पे एक इनलाइन एरो फंक्शन मैंने इसको बनाया। अब सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक API बना रहा हूँ,
तो एपीआई की आपको एरर हैंडलिंग करनी होती है, क्योंकि एपीआई में क्या होता है, अगर आपका सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आ जाएगा तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट अगर सक्सेसफुल रिस्पॉन्स नहीं आया, 400 आ गया, 500 आ गया, तो आपका उस टाइम पे कोड ब्रेक कर जाएगा। तो आपको यहाँ पे अपनी जो एपीआई है उसको यहाँ पे आपको हैंडल करना पड़ता है, मतलब उसकी एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पे आपको करनी पड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ट्राई और कैच लगाना पड़ेगा, ट्राई और कैच लगा के हम यहाँ पे जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है वो कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे एरर लिख सकते हो, और जो एरर आएगी उसको आप यहाँ पे प्रिंट भी करवा सकते हो, जैसे सपोज एरर व्हाइल कॉलिंग और एड यूजर एपीआई, एड यूजर एपीआई, जो एरर है आप उसको प्रिंट करा सकते हो, एरर आ गई आपकी एरर डॉट मैसेज के अंदर से, ठीक है। एरर के अंदर एक मैसेज फील्ड होती है, उसके अंदर से आप जो एरर है वो यहाँ पे निकाल सकते हो। अब यहाँ पे मेरे को एक एपीआई को कॉल करना है, ये एक पोस्ट एपीआई होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे डेटा भेजने वाला हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे जो मेरा बॉडी है उसके अंदर मैं यहाँ पे पूरा डेटा भेजूंगा, जो कि यहाँ पे मेरे पास जो पूरा डिकोडेड डेटा आएगा यूजर का, ये पूरा डेटा मैं एज अ बॉडी में यहाँ पे भेजने वाला हूँ, तो ये एक पोस्ट एपीआई होगी। तो एक्सियोस की हेल्प से आप गेट एपीआई, पोस्ट एपीआई, पुट एपीआई, डिलीट एपीआई आप सब कॉल कर सकते हो। अगर वो एक गेट एपीआई तो आप यहाँ पे गेट फंक्शन का यूज कर सकते हो, अगर पोस्ट एपीआई तो पोस्ट फंक्शन का आप यूज कर सकते हो, अगर वो एक डिलीट एपीआई तो आप यहाँ पे डिलीट फंक्शन का यूज कर सकते हो, अगर वो एक पुट एपीआई है, पुट एपीआई यूज होती है एडिट के लिए, अगर आपको कोई टेक्स्ट को एडिट करना है तो वहां पे आप पुट एपीआई का यूज कर सकते हो, बट मेरे को यहाँ पे पोस्ट एपीआई का यूज करना है, तो मेरे को यहाँ पे पोस्ट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे पोस्ट फंक्शन का यूज किया। ये जो फंक्शन होता है काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स लेता है, लेकिन दो आर्ग्यूमेंट पास करने कंपलसरी होते हैं। पहला जो आर्ग्यूमेंट होता है वो आपका यूआरएल होता है, यूआरएल आपका बैकएंड का यूआरएल होता है, ठीक है। एपीआई यूआरएल होता है, ये आपका बैकएंड का यूआरएल होता है। सेकेंड जो होता है, ठीक है, कॉमा लगा के आपको यहाँ पे जो सेकंड आर्गुमेंट है वो होता है आपका बॉडी, जो आपको पोस्ट एपीआई की बॉडी भेजनी है, उसमें मेरे को यहाँ पे डेटा भेजना है। तो दो फील्ड मैंने यहाँ पे भेजी, पहला जो आर्गुमेंट है वो आपका यूआरएल है, जो कि आपका बैकएंड का यूआरएल होगा। ये जो यूआरएल है यहाँ पे इसको ऊपर कहीं पे डिफाइन कर लेते हैं। मैं सपोज यहाँ पे यूआरएल को डिफाइन किया, अभी मेरे को पता नहीं है कि बैकएंड मेरा कहाँ पे चल रहा है, तो मैंने अभी के लिए इसको एम्प्टी स्ट्रिंग छोड़ा। डेटा क्या चीज है, डेटा यहाँ पे पोस्ट एपीआई की बॉडी है जो मेरे पास पीछे से आएगा, ठीक है। ये डेटा मैं यहाँ पे पीछे से पास करूंगा, तो मैंने यहाँ पे इसको डेटा को एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पे लिया। अब यहाँ पे एक चीज और है कि आपकी जो ये पोस्ट एपीआई है, आपके जो भी एपीआई होती है वो सब असिंक्रोनस होता है, वो सब यहाँ पे असिंक्रोनस रिक्वेस्ट होती है। तो असिंक्रोनस रिक्वेस्ट जो होती है वो प्रोमिस को रिटर्न करती है, उसको हैंडल करने के लिए आपको यहाँ पे अवेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कंपाइलर को बोलना पड़ेगा कि भाई आपको यहीं पे वेट करनी है इसके रिस्पॉन्स की, जब इसका रिस्पॉन्स आएगा उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। एक अवेट यहाँ पे आपने लगाया, अवेट चलता है हमेशा असिंक फंक्शंस के अंदर, तो आपको यहाँ पे असिंक लगाना पड़ेगा, और बिल्कुल सही है, आपको यहाँ पे फिर इसको सेव कर लेना है। आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर यहाँ से आपको इसको कॉल कॉल करना पड़ेगा, जहाँ पे आप जो डिकोडेड वाली जो आपकी इन्फॉर्मेशन है इसको आप यहाँ पे एपीआई के अंदर भेजोगे। तो आपको सबसे पहले तो सबसे ऊपर जाना है, और यहाँ पर आपको जो आपकी एपीआई है, जो कि एड यूजर वाली आपकी एपीआई है, उसको आपको यहाँ से इम्पोर्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पे एड यूजर को इम्पोर्ट किया, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे इसको नीचे कॉल करना है, यहाँ पे आपको इसको कॉल करना पड़ेगा एड यूजर को, एड यूजर को मैंने यहाँ पे कॉल किया, और आपको यहाँ पे इसके अंदर डेटा पास करना है। कौन सा डेटा आपको यहाँ पे पास करना है, जो आपका डिकोडेड वाला डेटा है, ये वाला डेटा यहाँ पे आपने पास किया, बट यहाँ पर आपने एक एपीआई कॉल की है। आप अगर यहाँ पे देखो तो ये एक असिंक्रोनस फंक्शन है, एड यूजर यहाँ पे ये एक असिंक्रोनस फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे मैंने असिंक लगा दिया। असिंक्रोनस रिक्वेस्ट है, तो आपको यहाँ पे भी अवेट लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको असिंक लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, जैसे ही बंदा यहाँ पे लॉग इन करेगा, ठीक है, यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेशन से बंदे ने यहाँ पे लॉग इन किया, अगर वो सक्सेसफुल लॉग इन कर रहा है तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा, और जो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है, जिस इन्फॉर्मेशन से उसने यहाँ पे लॉग इन किया, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी डिकोडेड के अंदर, और उसको आप यहाँ पे एपीआई के अंदर पास कर रहे हो। ये वाला फंक्शन आपका यहाँ पे कॉल होगा, इसके अंदर यहाँ पे आपने डिकोडेड इन्फॉर्मेशन पास करी, और डिकोडेड इन्फॉर्मेशन के साथ ये यहाँ पे पोस्ट एपीआई को कॉल कर देगा, जिसमें ये वाला यूआरएल यहाँ पे कॉल होगा, ठीक है, और इस यूआरएल को हिट करेगा इस वाले डेटा के साथ। अब बैकएंड में मेरे पास यहाँ पे ये वाला यूआरएल हिट हो रहा है, बट बैकएंड मैंने अब तक बनाया ही नहीं है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एपीआई तो बना दी, जो बैकएंड की एपीआई को कॉल कॉल करेगा यहाँ पे इस वाले यूआरएल पर, बट ये कौन सा यूआरएल है, कहाँ पर चल रहा है, कौन सी राउटिंग है, ये सब मेरे को बनाना भी तो पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे एक काम करना है, इसको यहाँ से आपको पूरे को क्लोज कर देना है, और यहाँ पे आपको एक क्लिक करना है बाहर, ये जो एम्प्टी स्पेस है यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको एक फोल्डर बनाना है सर्वर के नाम से। ये मेरा यहाँ पे बैकएंड होगा, ठीक है, ये मेरा यहाँ पे बैकएंड होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक फाइल बनानी है, जो कि होगी आपकी यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस, ये आपकी यहाँ पे मेन फाइल होगी सर्वर की।
अब मेरे को यहाँ पे सर्वर जो बनाना है आपका, वो एक्सप्रेस का सर्वर होगा, जो एक पोर्ट पे चल रहा होगा, एक्सप्रेस का आपका ये सर्वर होगा। अब ये वाला सर्वर बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक्सप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए मेरे को यहाँ पे सबसे पहले पैकेट और जेसन चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास पैकेट और जेसन है तभी आप अपने जो पैकेजेस हैं उनको यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, वरना आप अपने पैकेजेस को इंस्टॉल ही नहीं कर पाओगे। तो आपको यहाँ पे एक काम करना है, आपको यहाँ पे जो आपका ये क्लाइंट फोल्डर के अंदर हो आप, आपको यहाँ पे बाहर जाना है सीडी डॉट डॉट लिख के, और आपको यहाँ पे अब सर्वर फोल्डर के अंदर आना है। सर्वर फोल्डर के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है npm init। npm init क्या करेगा, ये एक एम्प्टी npm रेपोजिटरी को इनिशियलाइज कर देगा। एम्प्टी npm रेपोजिटरी से मेरा क्या मतलब है, ये एक एम्प्टी पैकेट और जेसन को इनिशियलाइज कर देगा, ये आपको एक एम्प्टी पैकेट और जेसन देगा जिसके टॉप पे आप फिर अपने पैकेजेस को इंस्टॉल करा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने npm init लिखा, ये आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन भी पूछेगा npm init, जैसे यहाँ पे जो आपका पैकेज नेम है वो क्या है। वो पैकेज नेम मेरा यहाँ पे सर्वर है, बिल्कुल सही है, आप इसको यहाँ पे एम्प्टी छोड़ छोड़ सकते हो। वर्जन यहाँ पे 1.0.0 है, आप अगर कुछ और डालना चाहो आप वो डाल सकते हो, एम्प्टी छोड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे डाल सकते हो कि आपका जो सर्वर है वो करना क्या चाहता है, तो वन लाइनर डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे डाल सकते हो। एंट्री पॉइंट क्या है, इंडेक्स और जेएस, ये मेरी जो मेन फाइल है ये आपकी यहाँ पे एंट्री पॉइंट होगा, जहाँ से आपका कोड एग्जीक्यूट होना यहाँ पे स्टार्ट होगा, तो वो आपने डाला यहाँ पे इंडेक्स और जेएस। टेस्ट कमांड आप यहाँ पे डाल सकते हो, अगर आपको यूनिट टेस्ट केसेस लिखना चाहते हो और यूनिट टेस्ट केसेस को आप यहाँ पे टेस्ट करना चाहते हो, तो कोई एक टेस्ट कमांड होगी जो आप यहाँ पे डाल सकते हो। गिट रेपोजिटरी का आप यहाँ पे यूआरएल डाल सकते हो, जहां पर आप इस कोड को पुश करोगे, वो एक रेपोजिटरी बना सकते हो वहां पे, और उसका यूआरएल आप यहाँ पे डाल सकते हो। एम्प्टी भी छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप अभी डालोगे और बाद में नहीं डाल सकते, ये सब इन्फॉर्मेशन आप बाद में भी डाल सकते हो। तो ये सब आप यहाँ पे एम्प्टी छोड़ सकते हो, कीवर्ड्स आप एम्प्टी छोड़ सकते हो, ऑथर में आप अपना नाम डाल सकते हो, लाइसेंस बाय डिफॉल्ट ISC होता है, आप इसको ही छोड़ सकते हो। और ये यहाँ पे आप देखो, ये आपके पास यहाँ पे एक पैकेट और जेसन का इसने यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया आपको, कि आपकी जो पैकेट और जेसन है वो क्रिएट होने के बाद ऐसी दिखेगी। और ये आपसे पूछ रहा है इज दिस ओके, मैंने यहाँ पे लिखा यस, हाँ बिल्कुल परफेक्ट है, दिस इज ओके, परफेक्टली ओके। और यहाँ पे इसने पैकेट और जेसन दिया, और आप यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे मेरे को यहाँ पे एक एम्प्टी पैकेट और जेसन दे दी। अब आपके पास यहाँ पे पैकेट और जेसन आ चुकी है, तो आप यहाँ पे एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा npm install express, npm install express मैंने यहाँ पे लिखा। अब ये यहाँ पे एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा, और ये यहाँ पे एक की बनाएगा डिपेंडेंसीज के नाम से, ठीक है, यहाँ पे की आ जाएगी आपके पास डिपेंड, ये आ गई यहाँ पे, और इसके अंदर आपके पास यहाँ पे जो एक्सप्रेस है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। और आप यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे इसने एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया, इसने पैकेट लॉग डॉट जेसन और नॉट मॉड्यूल्स यहाँ पे अपने आप बना दिया। अब आप यहाँ पे एक्सप्रेस कब आपको यहाँ पे सर्वर बनाना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्सप्रेस को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। एक्सप्रेस को इम्पोर्ट करने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस, ठीक है, ये आप लिख सकते थे पहले, मतलब अगर आप पुराना नोड जेएस यूज कर रहे हो तो वहां पे हम ऐसे लिखते थे, बट अब नोड जेएस में ES6 के सिंटेक्स हैं, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो, ठीक है। ये जो कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस है, ये ओल्ड सिंटेक्स है नोड जेएस का, अब जो नए सिंटेक्स है उसमें आप डायरेक्टली इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने एक्सप्रेस को इम्पोर्ट किया, अब एक्सप्रेस को आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इनिशियलाइज हम कर सकते हैं इसको, इनिशियलाइज आपको करना होता है एज अ फंक्शन, तो मैंने यहाँ पे एज अ फंक्शन यहाँ पे इसको इनिशियलाइज किया। और अब आपको इसका सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा, सर्वर को क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो ऐप डॉट लिसन, आपको यहाँ पे ऐप से एक लिसन फंक्शन को कॉल करना होता है, जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट लेता है आपका पोर्ट नंबर, कि आपका जो एक्सप्रेस का सर्वर है कौन से पोर्ट पर चल रहा है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट होता है कॉल बैक फंक्शन, कि अब जब आपका सर्वर सक्सेसफुली रन हो जाए उसके बाद अगर आपको यहाँ पे कुछ करना है तो आप यहाँ पे उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर कर सकते हो सर्वर के रन होते ही। बट मेरे को ऐसा कुछ खास करना नहीं है, मैं बस यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करवा लेता हूँ, जिसमें लिखा होगा कि सर्वर इज रनिंग सक्सेसफुली ऑन पोर्ट, कौन से पोर्ट पे चल रहा है। ये जो आपने यहाँ पे पोर्ट लिखा हुआ है, इस पोर्ट को यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं कि आपका जो सर्वर है वो कौन से पोर्ट पे चल रहा है। सपोज मैं यहाँ पे 8000 डाल रहा हूँ, कि आपका जो सर्वर है वो यहाँ पे पोर्ट 8000 पे चल रहा है। मैंने यहाँ पर लिखा सर्वर इज रनिंग सक्सेसफुली ऑन पोर्ट, और वेरिएबल को मैं यहाँ पे कंकैट करा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे डॉलर कर्ली ब्रेस लगा के वेरिएबल को कंकैट करा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने टेम्पलेट स्ट्रिंग्स का यूज किया है, जो टैब के ऊपर जो एक बटन होता है उसकी जो स्ट्रिंग्स होती है, ठीक है, उसके साथ आप यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे करके आप जो यहाँ पे अपना वेरिएबल है उसको यहाँ पे आप कनकेट करा सकते हो। एंड आप अगर इतना कोड लिख दोगे तो इतने से आपका जो एक्सप्रेस का सर्वर है वो बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक और चीज है कि जब आप यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज करते हो, तो आप यहाँ पे मॉड्यूल्स का यूज कर रहे हो, तो आपको पैकेट और जेसन को बताना पड़ता है कि यहाँ पे आप मॉड्यूल्स का आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, तो टाइप आपको यहाँ पे मॉड्यूल डालना पड़ेगा।
अगर आप इतना लिख दोगे इतने से हो जाएगा। अब मेरे को यहाँ पे जो आपका बैकएंड है उसको रन करके चेक करना है कि क्या चल रहा है सब कुछ, सब कुछ ठीक ठाक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे एक कमांड बना सकते हो, जैसे हमने रिएक्ट में लिखा था। रिएक्ट में हमने क्या देखा था कि रिएक्ट में अगर मेरे को सर्वर रन करना है तो मेरे पास यहाँ पे स्टार्ट के नाम से कमांड थी, ठीक है, जिसने चलाया था रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट को। सेम काम आप यहाँ पे भी कर सकते हो, अगर वो कमांड यहाँ पे नहीं है आप वो कमांड बना सकते हो। मैंने यहाँ पे कमांड बनाई, एक्सप्रेस का सर्वर हो या नोड का सर्वर हो, वो चलता है हमेशा नोड की हेल्प से। तो आपको यहाँ पे लिखना है नोड, और कौन सी फाइल को आपको रन करना है, मेरे को यहाँ पे रन करना है इंडेक्स और जेएस को, क्योंकि वही मेरी यहाँ पे मेन फाइल है। तो नोड, इंडेक्स और जेएस ये यहाँ पे इसको रन करेगा। अगर इसको सेव करके मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ, मेरे को यहाँ पे स्टार्ट स्क्रिप्ट को चलाना है। स्टार्ट स्क्रिप्ट को आप यहाँ पे डायरेक्टली चला सकते हैं एनपीएम स्टार्ट से। एनपीएम स्टार्ट मैंने यहाँ पे लिखा, और एनपीएम स्टार्ट लिखते ही आप यहाँ पे देखो ये चलाएगा नोड, इंडेक्स और जेएस को। आप यहाँ पे देखो इसने चलाया नोड, इंडेक्स और जेएस को, और ये सीधा इंडेक्स और जेएस के अंदर जाएगा। और यहाँ पे इसने मेरे को बता दिया सर्वर इज रनिंग सक्सेसफुली ऑन पोर्ट 8000, कि आपका जो सर्वर है वो यहाँ पे सक्सेसफुली रन हुआ है पोर्ट 8000 पे। आप इसको चेक भी कर सकते हो, आप अगर यहाँ पे जाओगे, आप यहाँ पे लिखोगे लोकल होस्ट, तो यहाँ पे आपको लिखना है 8000। तो लोकल होस्ट 8000 पे आप यहाँ पे देखो यहाँ पर आए कैन नॉट गेट। कैन नॉट गेट का मतलब यहाँ पर ये यह है कि कोई भी एपीआई यहाँ पे मैच नहीं हुई जो लोकल होस्ट 8000 के हिट करने पे यहाँ पे रन होगी। तो इस वजह से यहाँ पे ये एरर इसने दिया है कैन नॉट गेट। इसका मतलब ये है कि जो अपने जो सर्वर है एक्सप्रेस का वो बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट चल रहा है। क्योंकि अगर कोई और पोर्ट अगर मैं यहाँ पे डाल के देखूँ, 9000 अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ, 9000 पे मेरा यहाँ पे कोई पोर्ट नहीं चल रहा, तो यहाँ पे जो एरर आएगा वो उस टाइम डिफरेंट आएगा। यहाँ पे एरर है दिस साइड कांट बी रीच्ड। इसने यहाँ पे मेरे को ये एरर दिया है, ये एपीआई का एरर है कि कोई एपीआई यहाँ पे मैच नहीं हुई इस वाले एंड पॉइंट के साथ। ये हमें ये दर्शाता है कि आपका जो यहाँ पे सर्वर है एक्सप्रेस का वो यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, अब मेरे को यहाँ पे ये पता लग गया कि आपका जो सर्वर है वो चल रहा है पोर्ट 8000 पे। तो API.js के अंदर यहाँ पे URL के अंदर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि आपका जो सर्वर है वो बैकएंड का सर्वर है वो आपका वो चल रहा है लोकल होस्ट 8000 पर। बट API URL से कौन से एंड पॉइंट को मेरे को यहाँ पे हिट करना है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे काफी सारे एंड पॉइंट्स होते हैं जिनका आप यहाँ पे यूज करते हो। तो मेरे को यहाँ पे एंड पॉइंट बताना पड़ेगा कि कौन से एंड पॉइंट से आपको यहाँ पे अब हिट करना है। बट उससे पहले मेरे को यहाँ पे डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा। डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए आपको यहाँ पे, मैं यहाँ पे MongoDB का यूज करने वाला हूँ। MongoDB आप यहाँ पे डाउनलोडेड जो MongoDB आता है, या MongoDB कंपास आप यहाँ पे उसका यूज कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ cloud.mongodb का। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ब्राउजर खोलना है। ब्राउजर खोलने के बाद आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है cloud.mongodb.com। ये इसकी यहाँ पे वो है URL है, और यहाँ पे ये सीधा आपको लॉगिन स्क्रीन पे थ्रो करेगा। तो MongoDB अगर आपका अकाउंट है तो आप यहाँ पे सीधा लॉगिन कर सकते हो, बट अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से साइन अप कर सकते हो। साइन अप बिल्कुल फ्री है इसका, आप इजीली यहाँ पे साइन अप कर सकते हो। आप यहाँ पे आपको शायद ये ईमेल वेरिफिकेशन के लिए कोड भेजेगा, आपको वो ईमेल वेरीफाई करना है, उसके बाद आप यहाँ पे आके लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पे जब आप लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड मैंने सपोज यहाँ पे डालो, मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करा, इसके बाद ये आपको यहाँ पे लॉगिन कर देगा। एंड खुलने के बाद ये यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा जहाँ पे आपके पास एक ही ऑप्शन आएगा यहाँ पे क्रिएट अ डेटाबेस का, जहाँ पर आप अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो। तो आपको यहीं पे क्लिक करना है बिल्ड अ डेटाबेस, क्योंकि हमें यहाँ पे एक डेटाबेस को इसमें क्रिएट करना पड़ेगा। तीन ऑप्शन आएंगे, दो पेड है एक फ्री है, शेयर्ड वाला यहाँ पे फ्री है। तो हमें यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जो कि यहाँ पे शेयर्ड फिल्टर वाला है, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपको शेयर्ड फिल्टर कहाँ पे बनाना है, AWS पे चाहिए, क्लाउड पे चाहिए, या फिर आपको एजोर पे चाहिए। हमें यहाँ पे AWS पे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया। जो भी रीजन आपके सबसे क्लोजेस्ट है आपको यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे सर्वर्स इसके मुंबई में आ चुके हैं AWS के, तो यहाँ पे मैंने मुंबई सिलेक्ट किया, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लस्टर नाम आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। क्लस्टर नाम सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ clone-whatsapp, ठीक है। जो भी आपके यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम है, क्लस्टर का नाम है, यहाँ पे आप वो डाल सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट क्लस्टर पे क्लिक करना है। ये क्या करेगा, ये आपको यहाँ पे डेटाबेस को क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। बट उससे पहले ये आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा, जैसे कौन सा यूजर इसको एक्सेस कर सकता है। तो आपको यहाँ पे एक यूजर बनाना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे इसने पूछा है यूजर नेम एंड पासवर्ड। आपको यहाँ पे ये बताना पड़ता है कि कौन सा यूजर इसको एक्सेस कर सकता है इस वाले डेटाबेस को। तो आप यहाँ पे जितने मर्जी चाहे उतने यूजर्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। एक यूजर क्रिएट करना यहाँ पे कंपलसरी है। यूजर नेम में सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ यूजर, पासवर्ड में यहाँ पे डाल रहा हूँ कोड फॉर इंटरव्यू, ठीक है। स्पेलिंग में को शायद भसड़ मचा दी मैंने, देखना पड़ेगा। कोड फॉर इंटरव्यू नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्रिएट यूजर मैंने क्लिक किया, यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ पर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट हुआ हुआ है, तो आपको यहाँ पे मतलब आपको यहाँ पे अगर आप ये क्रिएट करोगे इस पे तो यहाँ पे आपका ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। मेरा ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको अपने
जो आपका वो है एप्लीकेशन है उसको आपको कहाँ से कनेक्ट करना है, लोकल एनवायरनमेंट से, क्लाउड एनवायरनमेंट से? मेरे को यहाँ पे लोकल से ही कनेक्ट करना है क्योंकि मैं यहाँ पे लोकल पे अपना वो चला आ रहा हूँ। अगर आपको लोकल पे कनेक्ट कनेक्ट करना है तो आपको यहाँ पे अपना आईपी एड्रेस यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, जो आप जो भी आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस। मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया, ऐड माई करंट आईपी एड्रेस, और यहाँ पे ये इसने मेरा यहाँ पे करंट आईपी एड्रेस ऐड कर दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे फिनिश एंड क्लोज पे क्लिक करना है, ठीक है? और ये यहाँ पे अब आपका जो क्लस्टर है वो यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर देगा। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको बनने में। आप यहाँ पे देखोगे कि ये लोडिंग हटेगी, तो आप यहाँ पे देखोगे ये आपका यहाँ पे क्लस्टर इसने बनाना यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है, तो 2 से 3 मिनट लगेंगे, उसके बाद ही आपका बिल्कुल बन के यहाँ पे तैयार हो जाएगा। इतना अपना बाकी का काम कर लेते हैं, आपको यहाँ पे वापस आना है। आपको डेटाबेस को कनेक्ट करना है अपने सिस्टम से, तो डेटाबेस को सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए हमें मेरे को यहाँ पे डेटाबेस का पूरा कोड लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है सर्वर के अंदर। सर्वर के अंदर मैंने यहाँ पे सपोज एक फोल्डर बनाया है डेटाबेस के नाम से, ठीक है? डेटाबेस के नाम से मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया। आपको यहाँ पे इसके अंदर एक फाइल बनानी है जो कि होगी आपकी db.js फाइल। यहाँ पे ये यह आपका पूरा डेटाबेस का कनेक्शन बनाएगी। डेटाबेस को यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे नोड या एक्सप्रेस से डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे मोंगूज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। दो पैकेजेस हैं जिसकी हेल्प से आप मोंगोडीबी से कनेक्ट कर सकते हो। एक है मोंगूज पैकेज, दूसरा है मोंगोडीबी। मोंगूज पैकेज थोड़ा एडवांस है, तो हम यहाँ पे मोंगूज का यूज करेंगे। तो आपको यहाँ पे एक नया टर्मिनल खोलना है, सर्वर फोल्डर के अंदर जाना है। सर्वर फोल्डर के अंदर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आपको यहाँ पे फिर लिखना है npm install mongoose। मोंगूज को मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया, इसको एक सेकंड इंस्टॉल होने देते हैं। तो ये यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है? आपको यहाँ पे फिर इंपोर्ट करना है मोंगूज को, ठीक है? इसके अंदर, क्योंकि मोंगूज की हेल्प से आप यहाँ पे अपने जो आपका सिस्टम है, जो आपका मतलब यहाँ पे आपका एक्सप्रेस का वीए है, प्रोजेक्ट है, उसको आप मोंगोडीबी से कनेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मोंगूज। मोंगूज को मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट किया। आपको यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है, ठीक है? एंड सपोज यहाँ पे कनेक्शन के नाम से मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, कॉन्स कनेक्शन इज इक्वल्स टू और दिस 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 दिस, ठीक है? बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आपको एरर हैंडलिंग करनी पड़ेगी क्योंकि मोंगोडीबी आपका प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है। मोंगोडीबी आपका अलग चल रहा है क्लाउड एनवायरनमेंट पे। हमने मोंगोडीबी को सेटअप किया है AWS पे, तो अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ दिक्कत आ जाती है, ठीक है, सर्वर डाउन है या कुछ भी है, तो उस केस में हमें यहाँ पे एरर हैंडलिंग करके चलनी पड़ती है। तो आपको यहाँ पे ट्राई और कैच लगाना पड़ेगा, इसकी एरर हैंडलिंग आपको करनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और यहाँ पे मैंने इसको एरर एरर के साथ मैंने यहाँ पे ट्रायल कैच लगाया। आपको यहाँ पे MongoDB के साथ कनेक्शन क्रिएट करना है। MongoDB के साथ कनेक्शन क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे मोंगूज का यूज करना पड़ेगा। और मोंगूज हमें यहाँ पर एक फंक्शन देता है जो कि होता है कनेक्ट फंक्शन। कनेक्ट फंक्शन की हेल्प से आप यहाँ पे MongoDB के साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है MongoDB का SRV URL। जिस भी MongoDB के साथ आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है, जिस भी डेटाबेस के साथ आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालनी होती है, ठीक है? तो एक URL हमें मिलता है, ये मैं दिखाऊंगा URL अभी आपको कहाँ से मिलेगा। ये आपके यहाँ पे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है। सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है इसका एक ऑब्जेक्ट, जहां पर आप कुछ चीजें पास कर सकते हो। यहाँ पे आप पास करते हो कि आपको अपने MongoDB को कैसे बिहेव करवाना है, मतलब क्या क्या उसमें फंक्शनलिटीज होनी चाहिए, किस तरह की आप फंक्शनलिटीज चाहते हो। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ यूज यूनिफाइड टोपोलॉजी। आप यहाँ पे MongoDB को ये बोल रहे हो कि आपको सब 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 कुछ यहाँ पे लेटेस्ट वाला यूज करना है, तो उसके लिए यहाँ पे टोपोलॉजी होती है, उसका उसको हमें यहाँ पे ट्रू ट्रू करना होता है, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे ये डाल दोगे तो इससे हो जाएगा। अब ये जो यहाँ पे कनेक्ट फंक्शन होता है, ये एक असिंक्रोनस रिक्वेस्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि आपका MongoDB आपका सर्वर पे चल रहा है, ठीक है, AWS पे चल रहा है, तो ये एक असिंक्रोनस रिक्वेस्ट है। तो आपको यहाँ पे अवेट लगाना पड़ेगा, ठीक है? अवेट लगाना पड़ता है आपको यहाँ पे, और अवेट चलते हैं असिंक फंक्शन के अंदर, तो आपको यहाँ पे असिंक लगाना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे सवाल होगा कि URL आपको कहाँ से मिलेगा। URL के लिए आपको यहाँ पे वापस जाना है जहां पर आपका ये बन के तैयार हुआ है, ठीक है? ये आपका यहाँ पे बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपको यहाँ पे कनेक्ट पे जाना है। कनेक्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, कनेक्ट योर एप्लीकेशन, ठीक है? और नोड जेएस का जो वर्जन है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, 2.2.12 और लेटर वाला, ठीक है? और आपको यहाँ से ये इसको कॉपी कर लेना है, ये आपका URL है, ठीक है? इसको कॉपी करके आपको यहाँ पे इसको क्लोज कर लेना है, और यहाँ पर आपको एक वेरिएबल बनाना है URL के नाम से, और यहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने इस पूरे URL को यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है? आप अगर यहाँ पे एक चीज देखो, ये यहाँ पे दो चीजें, यहाँ पे आपके पास यूजर है और यहाँ पे आपके पास पासवर्ड है। इसमें आपको जो ये URL है, इसमें आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना होता है। यूजर नेम जो मैंने वहाँ पे यूजर क्रिएट किया था वो इसने यहाँ पे अपने आप डाल दिया। पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, जो कि है यहाँ पे कोड फॉर इंटरव्यू। कोड फॉर इंटरव्यू मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाला, तो URL आपका यहाँ पे आ चुका है, और ये चीज आपके यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली आ चुकी है। अगर आपका डेटाबेस कनेक्ट होता है तो आपको यहाँ पे console.log मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ये बस, ताकि मेरे को पता लग जाए कि हाँ मेरा जो डेटाबेस है वो यहाँ पे सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। मैंने यहाँ पे लिखा डेटाबेस कनेक्टेड एंड सक्सेसफुली। अगर डेटाबेस कनेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, ये वाली लाइन अगर आपके यहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुई, कोई एरर है, तो ये सीधा यहाँ पे कैच स्टेटमेंट में आएगा, और उस केस में आप यहाँ पे
कि आप उस केस में आप यहाँ पे जो लॉग है वो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो विद एरर, तो एरर वाइल कनेक्टिंग विद द डेटाबेस, और जो एरर है आप यहाँ पे वो भी प्रिंट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर लिखा सपोज एरर डॉट मैसेज, मंगूज नहीं मैसेज, करेक्ट है। तो ये एरर मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दी। अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या क्या करना है, ये जो आपने यहाँ पे पूरा कनेक्शन फंक्शन बनाया इसको यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे इसको सपोर्ट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया। मेरे को इसको लिंक करना पड़ेगा इंडेक्स और जेएस के साथ। तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ पे सपोज मैंने लिखा इम्पोर्ट कनेक्शन, कहाँ से आएगा, डेटाबेस के अंदर से, डीबी डॉट जेएस आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सर्वर साइड में, नोड जेएस की साइड में, एक्सप्रेस जेएस की साइड में एक्सटेंशन लिखनी कंपलसरी होती है, तो आपको यहाँ पे डॉट जेएस लिखना पड़ेगा। डॉट जेएस लिखने के बाद अब आपको यहाँ पे जो फंक्शन है आपका, जो कि कनेक्शन फंक्शन है, आपको यहाँ पे उसको कॉल करना है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे इंडेक्स और जेएस के अंदर आप यहाँ पे इसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे हमने सर्वर बनाया उससे पहले यहाँ पे कॉल कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सपोज कनेक्शन, यहाँ पे मैंने ये कॉल कर दिया, ये वाला फंक्शन बिल्कुल सही है, इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया। बट आप यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमें को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें को सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा मैन्युअली। तो इस चीज से भी हम बच सकते हैं, आप अगर यहाँ पे npm install node mon कर लो। node mon क्या क्या करते हैं, node mon जैसे आप कंट्रोल एस दबाओगे नोड मोन आपके चेंजेस को डिटेक्ट कर लेगा और आपके सर्वर को अपने आप को रीस्टार्ट मार देगा। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है अगर आप सर्वर चलाते हो नोड की हेल्प से, ठीक है। नोड क्या, नोड में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि आपको सर्वर को मैन्युअली स्टार्ट करना पड़ेगा, बट नोड मोन अपने आप कर देता है। तो आपको यहाँ पे अब मैं यहाँ पे नोड मोन का नोड मोन की हेल्प से अब मैं यहाँ पे इसको चलाऊंगा। तो आपको यहाँ पे नोड नहीं लिखना, इस केस में यहाँ पे नोड मोन इंडेक्स डॉट जेएस लिखना है। तो अब जब मैं यहाँ पे npm start चलाऊंगा तो ये नोड का सर्वर नहीं चलाएगा, ये चलाएगा आपका यहाँ पे नोड मोन का सर्वर। अब यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे नोड मोन इंडेक्स डॉट जेएस लिखा और सर्वर इज रनिंग सक्सेसफुली ऑन पोर्ट 8000 और डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। आपके पास यहाँ पे ये वाला जो लॉग है ये प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आपकी ये वाली कमांड अगर आपकी सक्सेसफुली रन होती है तो मैं यहाँ पे ये वाला लॉग प्रिंट करवा रहा हूँ, अगर ये वाली कमांड आपकी सक्सेसफुली रन नहीं होती तो यहीं से ही ब्रेक हो जाएगा, कैच स्टेटमेंट में आएगा, उस केस में आपका जो एरर है वो प्रिंट होगा। तो एक केस में इन दोनों में से सिर्फ एक ही लाइन प्रिंट होगी, अगर ये वाली लाइन आपकी सक्सेसफुली प्रिंट नहीं होती तो आपका एरर प्रिंट होगा। एरर के केस में आपको आपको इसको रिजोल्व करना पड़ेगा, कमेंट में आप मेरे को बता सकते हो, मैं हेल्प कर दूंगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे एक दो चीजें और हैं, आप अगर यहाँ पे देखो तो मैंने यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड को डायरेक्टली यहाँ पे कोड में मेंशन कर दिया, ऐसा हम कभी नहीं करते, ठीक है। ये बैड कोडिंग प्रैक्टिस है, जहां पर आप अपने जो क्रेडेंशियल्स हैं, जो आपको ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स हैं, उनको आप कोड में ही लिख दो, ऐसा हम नहीं करते। तो आपको यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एक पैकेज को इंस्टॉल कराना पड़ेगा जो कि होता है डॉट ईएनवी। मैं यहाँ पे डॉट ईएनवी फाइल का मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। मैंने सपोज यहाँ पे लिखा डॉट एंड ईएनवी, ठीक है, npm install dot env यहाँ पे मैंने लिखा dot env की dot env के अंदर आप अपने सारे environment variables को mention करते हो, जो भी आपकी sensitive information है उसको आप यहाँ पे dot env के अंदर mention करते हो। तो आपको यहाँ पे एक env फाइल बनानी पड़ेगी, आपको यहाँ पे सर्वर पे राइट क्लिक करना है, न्यू न्यू फाइल पे जाना है और आपको यहाँ पे डॉट लगाना है, फुल स्टॉप वाला डॉट, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है env। ये आपकी यहाँ पे डॉट env फाइल होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे db underscore यूजर नेम, मैं यहाँ पे दो एनवायरमेंट वेरिएबल बना रहा हूँ, एक होगा यहाँ पे db underscore यूजर नेम के नाम से। आपको यहाँ पे एक आपको यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं देना, ठीक है, इज इक्वल्स टू लगा के सीधा यहाँ पे यूजर लिखना है, कोई यहाँ पे आपको स्पेस नहीं देना, कोई आपको यहाँ पे वो नहीं डालना, क्या कहते हैं, सेमी कॉलन लगाना, कुछ नहीं करना। और फिर आपको यहाँ पे लिखना है db underscore password is equals to password, आपको यहाँ पे कोड फॉर इंटरव्यू, बिल्कुल सही है। इसके बाद आपको यहाँ पे डीबी डॉट जेएस के अंदर आना है और यहाँ पर आपको इम्पोर्ट करना है डॉट ईएनवी को, ठीक है। यहाँ पे सपोज मैंने इम्पोर्ट किया डॉट ईएनवी, कहाँ से आएगा, जो पैकेज हमने अभी 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 इंस्टॉल किया है, जो कि आपका यहाँ पे डॉट ईएनवी। अब डॉट ईएनवी को आपको यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो डॉट ईएनवी को इनिशियलाइज करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा डॉट ईएनवी डॉट कॉन्फिग, एक फंक्शन होता है इसके ऊपर, आपको यहाँ पे इसको कॉल करना पड़ेगा। डॉट ईएनवी आपका यहाँ पे इनिशियलाइज हो चुका है, इसके बाद आप यहाँ पे डायरेक्टली जो आपके यूजर नेम और पासवर्ड है आप यहाँ पे वो निकाल सकते हो। यूजर नेम निकालने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रोसेस डॉट ईएनवी डॉट जो भी आपके यहाँ पे वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल का नाम मेरा यहाँ पे डीबी अंडरस्कोर यूजर नेम, तो इससे आपका यहाँ पे यूजर नेम आ जाएगा। आपको यहाँ पे लिखना है कॉन्स पासवर्ड, इससे आप यहाँ पे पासवर्ड निकाल सकते हो, प्रोसेस डॉट ईएनवी डॉट डीबी अंडरस्कोर पासवर्ड, ठीक है। तो यूजर नेम मैंने निकाला, पासवर्ड मैंने निकाला, अब आप यहाँ पे इसके अंदर यूजर और यहाँ पे कोड फॉर इंटरव्यू ना लिख के
आप यहाँ पे डायरेक्टली, अब जो यूजर नेम आपका वेरिएबल और जो पासवर्ड आपका वेरिएबल है, आप यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जो मेरी नॉर्मल स्ट्रिंग्स हैं उनको मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा हूँ टेम्पलेट स्ट्रिंग्स में, ठीक है। जो बैकटिक होते हैं उनको मैंने इसमें कन्वर्ट किया, और आपको यहाँ पे यूजर की जगह यहाँ पर आपको लिखना है यूजर नेम, ठीक है, और इसकी जगह अब आपको यहाँ पे लिखना है पासवर्ड। बिल्कुल सही है। सेव करके अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो बिल्कुल सक्सेसफुली चले गए, सर्वर यहाँ पे रिस्टार्ट हो रहा है, और आपके आपके पास अब भी यहाँ पे ये वाला लॉग प्रिंट होना चाहिए। ये सब कुछ चेंजेस करने के बाद भी मेरे पास यहाँ पे ये वाला लॉग प्रिंट हुआ है, मतलब इसने सक्सेसफुली यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड मेरे पिक किए। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक एपीआई को कॉल कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर एक एपीआई को कॉल किया है, ठीक है। अब इस एपीआई का एक एंड पॉइंट होगा जिस जहां पर मैं हिट करूंगा बैकएंड में, तो वो एपीआई का एंड पॉइंट मेरे को बनाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे काम करना है, आपको यहाँ पे सर्वर पे राइट क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है राउट्स के नाम से, जहां पर मेरे सभी राउट होंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक फाइल बनानी है राउट डॉट जेएस के नाम से। राउटिंग आप कर सकते हो एक्सप्रेस की हेल्प से। एक्सप्रेस हमें यहाँ पे एक राउटिंग का एक वो देता है। तो आपको यहाँ पे एक्सप्रेस को इम्पोर्ट करना है, कहाँ से आएगा, एक्सप्रेस से आएगा। और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक चीज होती है जो कि होता है, इसके अंदर एक फंक्शन होता है बेसिकली एक्सप्रेस के अंदर, जो कि यहाँ पे राउटर फंक्शन होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जो आपका राउटर फंक्शन है उसको आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। इसको मैंने यहाँ पे स्टोर करवा लिया राउट के अंदर। अब मैं यहाँ पे अपना फर्स्ट राउट बना सकता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा राउट डॉट पोस्ट, क्योंकि यहाँ पर ये एक पोस्ट एपीआई मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, ये एक पोस्ट एपीआई, तो मैंने यहाँ पे राउट डॉट पोस्ट लिखा। अब यहाँ पे कौन सा एंड पॉइंट कॉल होगा, आप अगर देखो तो हमारे पास एक मेन यूआरएल होता है। अगर मैं सपोज फेसबुक का अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, तो HTTP, और यहाँ पे आपका ये facebook.com, ये आपका मेन यूआरएल है। हमारा जो यहाँ पे मेन यूआरएल है वो http/localhost8000 है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे मेन यूआरएल है अभी फिलहाल। फेसबुक के केस में ये हमारा मेन यूआरएल होता है। पर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एंड पॉइंट होते हैं। अगर आप होम पे हो तो होम एंड पॉइंट होगा, प्रोफाइल पे हो तो यहाँ पे प्रोफाइल एंड पॉइंट होता है, ठीक है। अगर आप मैसेज भेज रहे हो किसी को तो मैसेजेस एंड पॉइंट होता है। अगर आप किसी ग्रुप में हो, ग्रुप एंड पॉइंट होता है। पेजेस, अगर आपने कोई पेज खोला हुआ है तो यहाँ पे पेजेस एक एंड पॉइंट होता है। इसी तरह यहाँ पर मेरे को एंड पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आप जो मेन यूआरएल है उसके एंड पॉइंट्स को हिट करते हो। एंड पॉइंट से आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हो कि कौन सी एपीआई यहाँ पे कॉल हुई है, ठीक है। तो एंड पॉइंट अब मेरे को यहाँ पे एड यूजर वाली एपीआई है, तो मेरे को यहाँ पे एक एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा जो मैं बना सकता हूँ एड के नाम से, कि जब ये वाला एंड पॉइंट कॉल होगा, ठीक है, उस केस में मेरे को यहाँ पे क्या करना है वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ एक सेकेंड कॉल बैक फंक्शन में। हमारे पास यहाँ पे एक सेकेंड आर्ग्यूमेंट में कॉल बैक फंक्शन होता है, जहां पर अगर मैंने यहाँ पर ये तो बता दिया कि आपको ये वाला एंड पॉइंट हिट करना है, एड एंड पॉइंट यहाँ पे हिट करना है, बट इस एड एंड पॉइंट के हिट करने पे क्या होगा वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं सेकेंड आर्ग्यूमेंट में। जैसे मेरे को डेटा को सेव करना है, तो जो भी मैं डेटा को सेव करूंगा वो मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा। तो जो एंड पॉइंट है मेरा वो लोकल होस्ट कोलन 8000/ed के नाम से। तो आपको यहाँ पे वापस आना है, आपको यहाँ पे इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो एंड पॉइंट है मेरा उसमें ये वाला यूआरएल तो है, यूआरएल के बाद यहाँ पे एड के नाम से एंड पॉइंट है, ठीक है। बिल्कुल सही है, अगर आप इसको कॉल करोगे बिल्कुल मस्त चलेगा। वापस आते हैं, अब इस एंड पॉइंट के क्लिक होने में मेरे को क्या करना है, ये होता है आप कंट्रोलर फंक्शन। बट ये वाली जो मेरी फाइल है वो स्पेसिफिकली है राउटिंग के लिए, कि यहाँ पे मेरे सभी यहाँ पे राउट्स होंगे, तो यहाँ पे क्या करना है उसको मैं एक अलग फाइल में डिफाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक और यहाँ पे आपको फोल्डर बनाना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एक और फोल्डर बनाना है कंट्रोलर के नाम से, ठीक है। कि ये सब आपके यहाँ पे कंट्रोलर फंक्शन होंगे कि आपको किसके साथ क्या करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक फाइल बनानी है जो कि है यहाँ पे यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस। मैंने यहाँ पर एक एक कंट्रोलर बनाया जो कि आपका यहाँ पे यूजर कंट्रोलर है। यूजर कंट्रोलर के अंदर आप यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हो जो आपके यूजर्स को ऐड करेगा डेटाबेस में, ठीक है। ऐड यूजर, मैंने यहाँ पर सपोज एक फंक्शन को डिफाइन किया, इसको एक्सपोर्ट किया मैंने, क्योंकि अब मेरे को इसको यहाँ पे इम्पोर्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे इसको इम्पोर्ट किया। ऐड यूजर आपका जो फंक्शन है कहाँ से आएगा, यूजर कंट्रोलर से आएगा। डॉट जेएस एक्सटेंशन लिखनी बहुत जरूरी है, वरना एरर देगा। अगर आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पे जेएस एक्सटेंशन में नहीं लिख रहा, तो आप यहाँ पे देखो इस टाइम पे यहाँ पे एरर देगा। और ब्रो अभी इसने एरर नहीं दी क्योंकि मैंने राउट को यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है। सबसे पहले यही काम करते हैं, जो आपने यहाँ पे राउट के नाम से एक फाइल बनाई है उसको आपको यहाँ पे इंडेक्स और जेएस में मेंशन करना पड़ेगा। मतलब आपने जो राउटिंग की एक फाइल बनाई है उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले तो राउट को आपको यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे मैंने राउट को डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया। फिर जाते हैं यहाँ पे इंडेक्स और जेएस के अंदर, और यहाँ पे लिख रहा हूँ इम्पोर्ट, और राउट फ्रॉम कहाँ से आएगा,
ये आएगा आपका यहाँ पे राउट्स के अंदर से, और यहाँ पे आपके पास एक फाइल है राउट डॉट जे एस, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको इम्पोर्ट तो कर लिया, अब आपको इसको यूज करना पड़ता है एक्सप्रेस के साथ। एक्सप्रेस के साथ आपको यहाँ पे इसको यूज करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एप डॉट यूज, एप डॉट यूज, और यहाँ पे जब आपका एम्प्टी एंड पॉइंट होगा उस केस में आप यहाँ पे जो अपना सारा ट्रैफिक है उसको आप यहाँ पे राउट कर दोगे इस वाले राउट पे, जो आपका यहाँ पे ये वाला राउट राउट है। और जैसे मैंने यहाँ पे आप देखो राउट को मैंने यहाँ पे मेंशन किया, तो इसने मेरे को सीधा यहाँ पे एरर दे दिया कि आपका जो यूजर कंट्रोलर है वो क्या चीज़ है इसको पता ही नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे राउट में जब आपने यूजर कंट्रोलर को इम्पोर्ट किया तो आपने डॉट जी एस नहीं लिखा, डॉट जी एस लिखना कंपलसरी है। अब आप देखो यहाँ पे डॉट जी एस मैंने लिखा, तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। अब यहाँ पे मेरे को जो आपका एड यूजर है उसको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि जब आपकी ये वाली एंड पॉइंट जब आपका यहाँ पे कॉल होगा तो ये वाला फंक्शन वो कॉल कर देगा, जो कि आपका यहाँ पे यूजर कंट्रोलर के अंदर एक कंट्रोलर फंक्शन है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे फंक्शन है ये आपका एपीआई का फंक्शन है, ठीक है। आपके एपीआई के फंक्शन के अंदर दो चीजें आपको मिलती हैं, एक एक होता है आपका रिक्वेस्ट, दूसरा होता है आपका यहाँ पे रिस्पॉन्स। ये दो चीजें आपको मिलती हैं, पीछे से आपके पास दो चीजें आती हैं। रिक्वेस्ट होता है कि आपके एपीआई के रिक्वेस्ट के अंदर जो कुछ भी आता है वो आपके इस रिक्वेस्ट वेरिएबल के अंदर होता है, जैसे एपीआई का यूआरएल आता है, बॉडी आती है, हेडर्स आते हैं, पैरम्स आते हैं, और भी सैकड़ों चीजें आती हैं, वो सब आपका रिक्वेस्ट के अंदर जाएगा। वो सब आप निकाल सकते हो रिक्वेस्ट के अंदर से, क्योंकि वो सब आपका रिक्वेस्ट के अंदर से आता है। आपको अगर कुछ भेजना है, ठीक है, आपने सपोज फ्रंट एंड से बैक एंड पे एक एपीआई हिट करी, ठीक है, तो जो भी आपने एपीआई के अंदर डाल के उसको हिट किया वो आप निकाल सकते हो रिक्वेस्ट के अंदर, बट बैक एंड से आपको फ्रंट एंड पे भी कुछ रिस्पॉन्स भेजना पड़ता है, तो वो आप भेज सकते हो इस रिस्पॉन्स की हेल्प से, ठीक है। ये देखेंगे कैसे होता है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास पीछे से रिक्वेस्ट में से मेरे पास डेटा आ रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँ और रिक्वेस्ट के अंदर मेरे पास जो बॉडी है उसके अंदर से डेटा आएगा, तो मैंने यहाँ पे सिंपल मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी किया, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी मैंने यहाँ पर लिखा। अब अगर मैं आपको यहाँ पे इसको चला के दिखाऊँ तो बिल्कुल मस्त चलना चाहिए, एक सेकेंड देख लेते हैं। यहाँ पर आया मैं और यहाँ पे मैंने, एक सेकेंड रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है, मस्त है। और यहाँ पे मैंने सपोज इसको लॉग इन किया, लॉग इन करते ही आप देखोगे यहाँ पे एपीआई कॉल होगी। एक सेकेंड मैं नेटवर्क टैब आपको यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ। अरे ये कैसे खुला है, तो ये डेवलपर टूल्स मैंने यहाँ पर खोले, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ कि आपके पास यहाँ पे एक नेटवर्क हैक में एक एपीआई यहाँ पे इस टाइम पे कॉल होगी जैसे ही आप यहाँ पे लॉग इन करोगे, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पे लॉग इन कर रहा हूँ, एंड लॉग इन मैंने सपोज यहाँ पे इस वाले अकाउंट से किया, तो आप यहाँ पे देखो सीधा आपका यहाँ पे एड यूजर कॉल हो गया। इसने अभी यहाँ पे मेरे को एरर दी है जो कि यहाँ पे कोर्स की एरर है। आप यहाँ पे देखो ये आपने इसने यहाँ पे एपीआई को कॉल कर दिया जो कि आपके यहाँ पे एड यूजर एपीआई है, और इसने यहाँ पे कॉल किया एचटीटीपी सिलेक्ट कॉलन डबल स्लैश लोकल होस्ट 8000, और यहाँ पे इसने एड को कॉल किया है। पेलोड अगर आप देखो तो यहाँ पे मेरे पास बॉडी में पोस्ट एपीआई की बॉडी है, और यहाँ पे मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन गई है। प्रीव्यू में अगर आप देखो मेरे पास यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसने एरर दिया है मेरे को कोर्स का एरर। कोर्स होता है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ये एक एरर आती है जो ब्राउजर स्पेसिफिक है, ब्राउजर ये एरर फेंकता है, सिक्योरिटी फीचर है ब्राउजर का। अगर आप डेटा को शेयर करने की कोशिश कर रहे हो टू डिफरेंट सर्वर्स पे या टू डिफरेंट पोर्ट्स पे, तो ब्राउजर उसको अलाउ नहीं करता। जैसे मेरा जो यहाँ पे फ्रंट एंड चल रहा है वो है पोर्ट 3000 पे, बैक एंड जो है मेरा वो है यहाँ पे पोर्ट 8000 पे। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डेटा भेज रहा हूँ फ्रॉम पोर्ट 3000 टू पोर्ट 8000, तो दो डिफरेंट पोर्ट्स हैं। इस वजह से यहाँ पे ब्राउजर ने कोर्स का एरर यहाँ पे थ्रो किया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ये एक सिक्योरिटी रिलेटेड एक इशू है, ठीक है, ब्राउजर यहाँ पे ये एरर थ्रो करता है। अगर आप इसको पोस्टमैन से हिट करोगे पोस्टमैन में कोई एरर नहीं आएगी, बट ब्राउजर से आती है। तो इसका एक सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको यहाँ पे कोर्स को अलाउ करना पड़ेगा, एंड 99% केसेस में जो कोर्स का इशू है वो सिर्फ बैकएंड से हैंडल होता है। बैकएंड से आपको यहाँ पे कोर्स को अलाउ करना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पे इसको कोर्स को यूज कर सकते हो, मतलब उसके बाद फिर कोर्स की एरर नहीं आती। यूज कर सकते बोल रहा हूँ, गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, आपके पास यहाँ पे कोर्स की एरर नहीं आएगी फिर। तो आपको यहाँ पे उसको हैंडल करने के लिए आपको यहाँ पे पैकेज को इंस्टॉल कराना पड़ेगा, जो कि होगा यहाँ पे कोर्स का कोर्स पैकेज। तो आपको यहाँ पे लिखना है npm install course। npm install course करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपका कोर्स है उसको यहाँ पे आपको इम्पोर्ट करना है। मैंने यहाँ पे कोर्स को इम्पोर्ट किया, कहाँ से आएगा, npm install course from course, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे एप डॉट यूज करना पड़ेगा, आपको एप डॉट यूज के बाद आपको यहाँ पे इसके अंदर कोर्स को एज अ फंक्शन यहाँ पे यूज करना है, एंड बस दैट्स इट। इतना सा काम है, इतना सा काम अगर आप कर दोगे तो बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेफ्ट में ले लेते हैं। अगर मैं आप यहाँ पे आपको सपोज साइन इन करके दिखा, तो मैंने यहाँ पे इसको साइन इन किया तो अब बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। आप यहाँ पे देखो अब यहाँ पे कोई एरर नहीं है। रिक्वेस्ट आपकी पेंडिंग है क्योंकि मैं बैकएंड से कुछ भी भेज नहीं रहा हूँ, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट आपकी पेंडिंग है। बट अगर मैं आपको यहाँ पे बैकएंड में दिखाऊँ तो यहाँ पे अनडिफाइंड आया,
फ्रेंड टेस्ट ने मेरा यहाँ पे किया है, मतलब ये वाला फंक्शन मेरा यहाँ पे कॉल हुआ है जो एड यूजर फंक्शन है, बट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी यहाँ पे अनडिफाइंड है। अब यहाँ पे एक और इशू है, इशू यहाँ पे ये यह है कि इसको पता ही नहीं है कि पोस्ट एपीआई की बॉडी क्या चीज है, तो आपको यहाँ पे एक्सप्रेस को बताना पड़ेगा कि ब्रो यहाँ पे एक पोस्ट एपीआई आती है, उसकी बॉडी भी आती है और आपको उसको भी हैंडल करना है। तो लेकिन वो काम एक्सप्रेस का नहीं है, वो काम है बॉडी पार्सल का। तो आपको यहाँ पे एक पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि है यहाँ पे npm install body hyphen parser, ठीक है। इस पैकेज को आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा और इस पैकेज की हेल्प से आप यहाँ पे जो आपकी पोस्ट एपीआई की बॉडी है उसको आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हो, क्योंकि एक्सप्रेस को नहीं पता। एक्सप्रेस के जो पुराने जो वर्जन है उसमें बॉडी पार्सर इनबिल्ट आता था, बट अब इन्होंने क्या किया, बॉडी पार्सर को अलग हटा दिया। तो यहाँ पे अब जो बॉडी पार्सर है उसको आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ता है। तो बॉडी पार्सर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, उसके बाद आपको यहाँ पे बॉडी पार्सर को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट किया बॉडी पार्सर को, ठीक है। इसने नीचे यहाँ पे इसको इम्पोर्ट किया, इसको ऊपर ले लेते हैं। तो यहाँ पे बढ़िया, तो बॉडी पार्सर यहाँ पे मैंने इम्पोर्ट किया, ठीक है। बॉडी पार्सर को अब आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे जो पोस्ट एपीआई की बॉडी है उसको यहाँ पे आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो वो हम हैंडल कर सकते हैं। बॉडी जो आती है वो आपकी जेसन फॉर्मेट में आती है, तो जो आपने यहाँ पे जेसन फॉर्मेट है उसको आपको यहाँ पे पार्स करना होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज एक्सटेंडेड ट्रू, एक्सटेंडेड अगर आप यहाँ पे ट्रू कर दोगे बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। एक और चीज होती है, आपको यहाँ पे यूआरएल को भी पार्स करना होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज बॉडी पार्सर डॉट यूआरएल एनकोडेड, और इसको भी आपको यहाँ पे एक्सटेंडेड ट्रू करना होता है। इसको हमें पार्स क्यों करना होता है यूआरएल को, अगर आप यहाँ पे यूआरएल देखोगे, ठीक है, अगर आप मेरे पास यहाँ पे सपोज ये यूआरएल है facebook.com और /home है। अगर यहाँ पे सपोज क्वेश्चन मार्क लगा के सपोज कोई क्वेरी है, ठीक है, क्वेरी में मैंने यहाँ पे सपोज कुछ भी डाला हुआ है, मैं यहाँ पे सपोज नेम डाला, मैंने यहाँ पे लिखा कोड फॉर इंटरव्यू, और मैंने यहाँ पे यूआरएल में बीच में मैंने यहाँ पे स्पेसेस डाल दिए, और जब आप स्पेस डाल के एंटर मारोगे ना, तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो जो आपका ब्राउजर है वो यहाँ पे स्पेस में कुछ कैरेक्टर्स डाल देगा, सपोज %90, वो स्पेस को रिकॉग्नाइज नहीं करता, वो स्पेस को यहाँ पे रिप्लेस कर देगा विद सम रैंडम कैरेक्टर्स, ठीक है। तो उस केस में आपको यहाँ पे, अब अगर आपका इस तरह का यूआरएल आपके बैकएंड में आता है, तो आपको यहाँ पे उसको यूआरएल को पार्स करना पड़ेगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे यूआरएल एनकोडेड का यूज करते हैं इसको पार्स करने के लिए। अब अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊंगा बिल्कुल मस्त चलेगा, स्क्रीन देख लेते हैं, कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं है, चला के देखते हैं। तो यहाँ पे सपोज इसको मैंने रिफ्रेश किया इसको मैंने, और यहाँ पे करते हैं, लॉग इन किया मैंने यहाँ पे आपको इस वाले अकाउंट से। तो आप यहाँ पे देखो इस बार यहाँ पे अब कोई भी एरर नहीं है, पेंडिंग आएगा क्योंकि मैंने बैकएंड से कुछ भी रिटर्न नहीं किया, बट मेरा पॉइंट आपको समझाने का यहाँ पे ये है कि ये जो सारा डेटा है ये मेरे पास यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। फ्रंट एंड से आपने जो ये पूरा ऑब्जेक्ट भेजा है, आप अगर यहाँ पे देखो तो इस एपीआई रिक्वेस्ट की बॉडी में पेलोड मैंने यहाँ पे ये वाला पूरा रिक्वेस्ट भेजा है, एंड ये पूरा रिक्वेस्ट मेरे पास यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब जो ये रिक्वेस्ट आई है आपको इसको वेरीफाई करना होता है, मतलब ऐसा नहीं है, हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि फ्रंट एंड से आपके पास कुछ भी आया और आपने उसको ब्लाइंडली उठा के सीधा डेटाबेस में पुश कर दिया, ऐसा हम कभी नहीं करते। आपको वेरीफाई करना होता है, आपको यहाँ पे ये वेरीफाई करना होता है कि जो आपने बैकएंड से भेजा है, जो आपने फ्रंट एंड से भेजा है, क्या वो करेक्ट है, क्या जो मेरे को फील्ड चाहिए डेटाबेस में उसको सेव करवाने के लिए, क्या आपने वो सभी फील्ड्स भेजे हैं या नहीं भेजे। सपोज यहाँ पे मेरे को यहाँ पे नेम चाहिए, मेरे को कंपल्सरीली यहाँ पे जो आपका नेम है यहाँ पे वो चाहिए, बट आपने नेम फ्रंट एंड से भेजा ही नहीं, ठीक है। तो मेरे को ये चीज वेरीफाई करनी पड़ेगी, अगर आपका नेम नहीं आता तो उस केस में मेरे को आपको एरर थ्रो करना है कि ब्रो नेम कंपल्सरी है, नेम रिक्वायर्ड है। तो इस चीज को हमें यहाँ पे वैलिडेट करना होता है। तो वैलिडेट करने के लिए हम यहाँ पे एक मॉडल बना सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे सपोज एक फोल्डर बना रहा सर्वर के अंदर मॉडल के नाम नाम से, और मेरे को यहाँ पे यूजर की इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट करना है, तो मैं यहाँ पे एक मॉडल बना रहा हूँ यूजर के नाम से, ठीक है। यूजर के नाम से मैंने यहाँ पे एक मॉडल बनाया, मंगूस की हेल्प से आप यहाँ पे इसको वैलिडेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट किया मंगूस को, ये कहाँ से आएगा, आपका मंगूस से आएगा, और ये आपका एक स्कीमा कहते हैं इसको, ठीक है। आप यहाँ पे एक यूजर स्कीमा के हेल्प से आप यहाँ पे कर सकते हो, और मंगूस के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक स्कीमा एक फंक्शन होता है, इसका इसकी हेल्प से आप यहाँ पे इसको वैलिडेट कर सकते हो। ये एक ऑब्जेक्ट लेता है अपने अंदर, ठीक है, ऑब्जेक्ट ये लेता है, और ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप यहाँ पे ये बता सकते हो कि आपको यहाँ पे क्या क्या चाहिए। जैसे मेरे को यहाँ पे सबसे पहला जो, ये भी पूरा एक ऑब्जेक्ट आएगा क्योंकि जेसन ऑब्जेक्ट है, इसमें सबसे पहली जो की है वो ISS है, ठीक है। ISS आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे ISS लिखा, ISS में चाहता हूँ कि ये एक स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है, कि ISS यहाँ पे एक स्ट्रिंग होनी चाहिए। बस आप यहाँ पे इतना डाल सकते हो कि जो ISS है वो यहाँ पे एक स्ट्रिंग होनी चाहिए। फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे NBF है, आप अगर देखो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे आ रहा है NBF, NBF यहाँ पर एक नंबर है, मैं यहाँ पर ये डाल रहा हूँ कि NBF यहाँ पर एक नंबर होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका है यहाँ पे AUD,
तो आप यहाँ पे जो AUD है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, जो कि यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। AUD के बाद आपके पास यहाँ पर है SUB, तो SUB मैंने यहाँ पर लिखा, और ये आपका यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, ठीक है। इस ये मेरे को रिक्वायर्ड है क्योंकि इसको इसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा रिक्वायर्ड ट्रू कि ये मेरे को चाहिए चाहिए, SUB आपका आना ही आना चाहिए। फिर आपका यहाँ पे है ईमेल, ईमेल के ऐसी कोई मेरे को यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इसको यहाँ पे छोड़ भी सकते हो, ठीक है। कि ईमेल में ईमेल की मेरे को यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ईमेल फिर है आपके पास यहाँ पे अंडरस्कोर वेरीफाइड, ठीक है। ईमेल वेरीफाइड है, और ये यहाँ पे आप देखो तो ये जो वैल्यू है ये बुलियन वैल्यू है। मैंने यहाँ पे सपोज बुलियन डाट डाला, उसके बाद आपके पास यहाँ पे AZP, और यहाँ पे आपका स्ट्रिंग है, ठीक है। नेम आपका यहाँ पे रिक्वायर्ड होना चाहिए, नेम की मेरे को यहाँ पे बहुत जरूरत है, ठीक है। नेम के बिना अपना काम नहीं चलेगा, तो जिस चीज के बिना आपका काम नहीं चलेगा उसको आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा रिक्वायर्ड सपोज ट्रू, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेम यहाँ पे रिक्वायर्ड है आपका, उसके बाद यहाँ पे आपका पिक्चर है, पिक्चर के बिना भी मेरा काम नहीं चलेगा, तो पिक्चर को भी आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड को ट्रू करना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पे लिखा सपोज रिक्वायर्ड, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ट्रू, ठीक है। पिक्चर के बाद यहाँ पर है आपका ये गिवन नेम, ठीक है, गिवन अंडरस्कोर नेम, और ये तो बिल्कुल सेम है, इसमें मेरे को ऐसा कुछ नहीं करना खास। गिवन नेम के बाद यहाँ पे आपका फैमिली नेम, और फैमिली अंडरस्कोर नेम मेरे को यहाँ पे चाहिए, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे स्ट्रिंग होना चाहिए। फिर ये मेरे पास यहाँ पे आई आई टी मेरे पास यहाँ पर एक नंबर होना चाहिए, ये मैंने नंबर लिया। आईआईटी के बाद है आपका यहाँ पे EXP, तो इसके बाद यहाँ पर आपका आ जाता है ये EXP, और ये भी आपका यहाँ पे नंबर होना चाहिए, इसको मैंने यहाँ पे नंबर लिया। EXP के बाद है आपका यहाँ पे JTI, ठीक है, और यहाँ पे ये बिल्कुल सही है, तो ये चीज बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका पूरा ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया कि ये सब फील्ड्स यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट में होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे वेरीफाई किया है, ठीक है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे काम करना है कि आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को तो आपने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया, अब इस ऑब्जेक्ट को लेके आपको यहाँ पे एक मॉडल को क्रिएट करना है, मतलब आपको यहाँ पे एक अपनी कलेक्शन बनानी पड़ेगी डेटाबेस में। तो मैंने सपोज यहाँ पे मॉडल आप बना सकते हो, ठीक है, मंगूस डॉट मॉडल आपने यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर आप फर्स्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपका यहाँ पे कलेक्शन का नाम होता है। कलेक्शन का नाम मैं बना रहा हूँ सपोज यहाँ पे यूजर के नाम से, कलेक्शन MongoDB में अगर आप कलेक्शन बोल रहे हो, कलेक्शन होता है आपका टेबल, MySQL में जो टेबल होता है ना उसको यहाँ पे MongoDB में कलेक्शन बोला जाता है। तो यूजर के नाम से मैंने यहाँ पे कलेक्शन में बनाई है, अपने आप यहाँ पे कलेक्शन बना देगा इन सभी उसको लेके, इन सभी फील्ड्स को लेके अपने आप यहाँ पे कलेक्शन बना देगा। बट आपको बताना पड़ेगा कि आपको इससे इसको वैलिडेट करना है, ये वाला जो पूरा कलेक्शन है इसको आपको इससे वैलिडेट करना है। स्कीमा का आपके यहाँ पे नाम क्या है, मैंने यहाँ पर लिखा यूजर स्कीमा, जो मैंने यहाँ पे इस पूरे को इसमें स्टोर करवाया था, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू दिस, ठीक है, इसको एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा सपोज एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और यूजर, बिल्कुल सही है। आपको यहाँ पे यूजर कंट्रोलर के अंदर जाना है, आपको यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ट्राई और कैच लगाना पड़ेगा। ट्राई और कैच क्योंकि हम यहाँ पे एक डेटाबेस में यहाँ पे एक हिट मारने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे डेटाबेस में यूजर की जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर कराऊंगा, और यूजर की जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लाउड पे स्टोर है, MongoDB जो है मेरा क्लाउड पे चल रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे मेरे को एरर हैंडलिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे सपोज ट्राई और कैच लिखा यहाँ पे, बिल्कुल सही है। और सबसे पहले मेरे को यहाँ पे ये चेक करना है कि क्या यूजर आपका एग्जिस्ट करता है, कौन से कलेक्शन में मेरे को चेक करना है, तो मेरे को यूजर कलेक्शन में चेक करना है, जो मैंने अभी अभी कलेक्शन बनाई है यहाँ पे यूजर के नाम से, ठीक है। इस वाली कलेक्शन मेरे को यहाँ पे चेक करना है, तो मेरे को यहाँ पे यूजर को इम्पोर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, तो क्योंकि वही मेरा सारा स्कीमा है और वहीं से ही मेरे को इस पूरे को वैलिडेट करना है। तो यहाँ पे एक फोल्डर बाहर गया मैं, एक फोल्डर बाहर जाने के बाद आपको यहाँ पे मॉडल के अंदर जाना है, मॉडल के अंदर यूजर डॉट जेएस के नाम से आपके पास यहाँ पे ये वाला पूरा मॉडल है। तो आप यहाँ पे यूजर के अंदर यूजर कलेक्शन के अंदर आप चेक कर रहे हो, ठीक है, और आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है कि हमारे पास यहाँ पे काफी सारे फंक्शंस हैं, मंगूज का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो मंगूज हमें काफी सारे फंक्शन देता है, ठीक है। फाइंड अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है कलेक्शन में, तो आप यहाँ पे फाइंड वन, फाइंड मैनी, या फिर सीधा फाइंड का भी यूज कर सकते हो। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट वन, डिलीट मैनी, डिलीट, इस तरह से आप कर सकते हो। अगर आप MongoDB की आईडी से डिलीट या अपडेट करना चाहते हो, तो फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट और फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ये फंक्शन था हमारे पास, ये हम देखेंगे आगे जाकर। अभी मेरे को यहाँ पे सिर्फ आपके ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है, डेटाबेस में उसको फाइंड करना है, तो वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास यहाँ पे एक फील्ड होगी SUB के नाम से। मैंने आपको क्या बोला था कि SUB जो आपकी फील्ड होगी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे इसका यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे इस वाली फील्ड के अगेंस्ट मैं यहाँ पे सर्च करूंगा क्या जो ये वाली फील्ड है, इस वाली फील्ड से कोई यूजर एग्जिस्ट करता है आपके पास। और आप यहाँ पे देखो तो बॉडी के अंदर मेरे पास यहाँ पे SUB आ रहा है, तो बॉडी के अंदर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी,
बॉडी आपका यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली एसयूवी को कॉल कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली एसयूवी को कॉल किया। अभी एक असिंक्रोनस रिक्वेस्ट होगी क्योंकि आपका जो मोंगोडीबी का सर्वर है वो क्लाउड पे चल रहा है। असिंक्रोनस रिक्वेस्ट है तो आपको यहाँ पे अवेट लगाना पड़ेगा, प्रॉमिस यहाँ से रिटर्न होगा और आपको यहाँ पे असिंक लगाना पड़ेगा। जो रिजल्ट आएगा, मैंने सपोज यहाँ पे एग्जिस्ट लिखा, ठीक है, इसको जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे एग्जिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पे स्टोर करवाया। अगर इसको यूजर मिलता है इस वाली आईडी से, तो यहाँ पे इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट आएगा क्योंकि वो यूजर पूरा एक ऑब्जेक्ट है। अगर कुछ नहीं मिलता तो यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा। तो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि अगर इफ एक्सप्लेनेशन मार्क एग्जिस्ट, अगर कुछ नहीं मिला, ठीक है, अगर कुछ नहीं मिला तो उस केस में मेरे को यहाँ पे क्या करना है। बट अगर मिल जाता है, अगर मिल जाता है तो उस केस में मेरे को आगे नहीं जाना, मेरे को यहीं से ही रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कर देना है। ठीक है, कि मेरे को यहाँ पे जो यूजर है वो ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुका है, तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। अब आपको यहाँ पे फ्रंट एंड पे स्टेटस भेजना है। मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स का हेल्प लिया, ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था, रिक्वेस्ट के अंदर आपके पास यहाँ पे वो आता है जो आपको फ्रंट एंड से बैक एंड पे भेजते हैं। फ्रंट एंड से अगर आपने फ्रंट एंड से अगर कुछ भी आपके पास आया तो वो आपके पास रिक्वेस्ट के अंदर आता है। अगर आपको बैक एंड से फ्रंट एंड पे कुछ भी भेजना है तो वो आप रिस्पॉन्स के अंदर भेजते हो। मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स भेजा जिसका स्टेटस मैंने यहाँ पे भेजा 200, ठीक है, डॉट जेसन। अब आपको उसकी रिस्पॉन्स में अब आपको बॉडी भेजनी होती है, तो जो जो भी आपको रिस्पॉन्स भेजना होता है वो आप इस जेसन के अंदर भेजते हो। ठीक है, तो जेसन के अंदर मैं यहाँ पे एक मैसेज, एक फील्ड ले रहा हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, कि आपका जो यूजर है वो यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। बट अगर यूजर आपका एग्जिस्ट नहीं करता तो मेरे को जो यूजर की इन्फॉर्मेशन है जो फ्रंट एंड से आ रही है उसको वैलिडेट करना पड़ेगा। उसको वैलिडेट करने के लिए आप यहाँ पे यूजर का जो आपका ये पूरा स्कीमा है इसके अंदर आप यहाँ पे डायरेक्टली जो पूरा ऑब्जेक्ट है इसको आप यहाँ पे पास कर सकते हो, ये इसको वैलिडेट कर देगा। इसको वैलिडेट करने के बाद आपको आपको यहाँ पे एक न्यू यूजर मिलेगा जो कि आपका मोंगोडीबी का यहाँ पे यूजर होगा। मोंगोडीबी यहाँ पे अपनी फील्ड्स ऐड कर देगा जो कि अंडरस्कोर आईडी होता है और एक दो चीजें और भी ऐड करता है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आपका ये जो आपका यहाँ पे न्यू यूजर है आपका वैलिडेटेड यूजर है। अब आपको इसको मोंगोडीबी में सेव करवाना है, तो सेव करवाने के लिए आप यहाँ पे न्यू यूजर से डायरेक्टली एक फंक्शन यहाँ पे कॉल कर सकते हो जो कि सेव फंक्शन होता है। सेव फंक्शन आपके ऑब्जेक्ट को मोंगोडीबी में सेव कर देगा। अगर ये आपका सेव होता है उस केस में आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस और 200.json, ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखना है जो भी आपका यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट है उसी को रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, पूरे ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रिटर्न किया और यहाँ पे आप रिटर्न स्टेटमेंट आप यहाँ पे लगा सकते हो अगर लगाना चाहो तो। अगर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे रिस्पॉन्स आपका रिटर्न कर देगा, बट उसके बाद भी ये नीचे आएगा तो आपको यहाँ पे इसके बाद फंक्शन को रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने फंक्शन को रिटर्न किया। अगर सपोज इस पूरे प्रोसेस में कहीं पे कोई एरर आ जाता है तो आपको यहाँ पे वो सीधा यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और कैच स्टेटमेंट में जाएगा, तो उस केस में आपको यहाँ पे कैच स्टेटमेंट से रिस्पॉन्स को रिटर्न करना पड़ेगा। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस और यहाँ पे सपोज 500.json जो एरर है उसको रिटर्न करते हैं, तो मैंने यहाँ पे सीधा एरर को रिटर्न किया या एरर डॉट मैसेज को आप यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो। तो बिल्कुल ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे इसको लेके वर्क कर सकते हो। चला के देखते हैं, चलना चाहिए देख लेते हैं एक सेकेंड। तो यहाँ पे सपोज लोकल होस्ट 3000 मैंने यहाँ पे खोला, लॉग इन करते ही एपीआई यहाँ पे कॉल होगी। आप यहाँ पे देखो एड एपीआई यहाँ पे कॉल हुई है और एड एपीआई का इस बार रिस्पॉन्स आप देखो यहाँ पे 200 है, स्टेटस यहाँ पे 200 है, मतलब आपका डेटा सक्सेसफुली सेव हुआ है। प्रीव्यू में अगर मैं जाके देखूँ तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न हुआ है। जो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे भेजा है पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आपका रिटर्न हुआ है विद सम मोंगोडीबी फीचर्स, अंडरस्कोर आईडी और अंडरस्कोर वी, जो मैं आपको बता रहा था कि मोंगोडीबी यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी ऐड करता है वो इसने यहाँ पे ऐड किया है। सेम डेटा आपका डेटाबेस में भी सेव होगा। चेक कैसे करना है, आपको यहाँ पे ब्राउज कलेक्शंस पे जाना है, आपके पास यहाँ पे कलेक्शन क्रिएट होगी यूजर्स के नाम से। यूजर के नाम से मैंने कलेक्शन बनाई थी बट वो वहाँ पे एस अपने आप लगा देता है, तो आपके जो कलेक्शन का नाम होगा वो होगा इस टाइम पे यूजर्स के नाम से। कलेक्शन यहाँ पे खुल चुकी है, आप यहाँ पे देखो यूजर्स के नाम से कलेक्शन है और यहाँ पे आपका सारा डेटा यहाँ पे आपके सेव हो चुका है। अब अगर मैं फिर से हिट मारता हूँ, ठीक है, इस बार आना चाहिए यूजर डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट जो मैंने वहां पे रिटर्न करवाया था, तो सेम यूजर से अब अगर मैं हिट मारता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास रिस्पॉन्स आना चाहिए यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। क्योंकि आप अगर इम्प्लीमेंटेशन देखो, इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ पे यही चेक कर रहा हूँ कि अगर आपका रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट सब इस आईडी से अगर आपका यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो आपको यहाँ पे ये रिटर्न करना है यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, और अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो आपको उसको सेव करना है। बिल्कुल सही है, एक नए यूजर को अगर मैं आपको यहाँ पे सेव करवा के दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देखोगे ज्यादा क्लियर होगा। मैंने यहाँ पे इस वाले यूजर को सपोज यहाँ पे ऐड किया और इसको कंफर्म
करते हैं। एक और यूजर को मैंने यहाँ पे ऐड किया। आप यहाँ पे देखो इसका इसकी जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल यहाँ पे सक्सेसफुली आई है। और आप यहाँ पे अगर रिफ्रेश करोगे इसको कलेक्शन को, तो यहाँ पे मेरे पास एक कलेक्शन नहीं होगी, अब मेरे पास यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट्स होंगे। कलेक्शन तो एक ही होगी लेकिन डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दो होंगे। आप देखो यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट्स हैं और ये यहाँ पे सेकंड डॉक्यूमेंट भी आ चुका है। ठीक है, दोबारा से अगर मैं यहाँ पे इसको ऐड करने की कोशिश करता हूँ तो इस बार ये बोलेगा यूजर डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, इसको सपोज मैंने यहाँ पे ये किया तो आप यहाँ पे देखो यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो डेटा मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। आप अगर यहाँ पे देखो तो डेटाबेस में मेरे पास यहाँ पे सारा डेटा आ चुका है। मेरे को इस डेटा को निकाल के यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, क्योंकि ये सब आपके यहाँ पे सभी यूजर्स आएंगे जो मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले करवाने हैं। तो आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे वापस जाना है और इसको सर्वर को क्लोज करते हैं। यहाँ पे आपको क्लाइंट में आना है, क्लाइंट में आने के बाद कॉम्पोनेंट्स में आना है, और कॉम्पोनेंट्स में आपको यहाँ पे चैट के अंदर और मेन्यू के अंदर आपको यहाँ पे एक कॉम्पोनेंट आपको बनाना पड़ेगा कन्वर्सेशन के नाम से। ठीक है, ये जो यहाँ पे सभी मैं डिस्प्ले करवाऊंगा ये सब कन्वर्सेशंस के नाम से मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे लिखना है कॉन्स्ट और कन्वर्सेशंस इज इक्वल्स टू, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे सपोज मैंने इसको रिटर्न किया और डिव दिस इज अ कन्वर्सेशन, इसको एक्सपोर्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे आपका आ जाएगा ये कन्वर्सेशंस। बिल्कुल ठीक है, इसको आपको यहाँ पे जो आपका हेडर है, हेडर क्या है आपका यहाँ पे, ये आपका हेडर है, इसके नीचे आपका यहाँ पे सर्च है, सर्च के नीचे आपको इसको डिस्प्ले करवाना है, तो इसके नीचे आपको यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कन्वर्सेशंस को मैं यहाँ पे इम्पोर्ट कर रहा हूँ, कहाँ से आएगा सेम फोल्डर में से, सेम फाइल में से यहाँ पे कन्वर्सेशंस आ जाएगा, और इसको आपको यहाँ पे इसके अंदर डिस्प्ले करवा देना है कन्वर्सेशंस को। ठीक है, एक सेकेंड देख लेते हैं कंपाइल हो गया है कि, कंपाइल यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो कन्वर्सेशंस को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया। आप अगर यहाँ पे देखो तो दिस इज अ कन्वर्सेशन, यहाँ पर ही आ चुका है। अब मेरे को अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको अब सारा डेटा निकालना है जो भी आपके डेटाबेस में है। जब आपने लॉग इन किया था उस टाइम पे हमने क्या किया था, हमने वहां पे डेटाबेस में डेटा डाला था, बट अब मेरे को डेटाबेस में से डेटा निकालना है तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक और एपीआई बनानी पड़ेगी। तो आपको वापस से बैकएंड में जाना पड़ेगा और बैकएंड में यहाँ पे सबसे पहले मैं एक राउट बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज राउट, अब ये एक गेट एपीआई होगी क्योंकि मैं यहाँ पे फ्रंट एंड से कोई डेटा भेज नहीं रहा हूँ। तो मेरे को यहाँ पे कोई पोस्ट एपीआई का कोई बॉडी नहीं भेजनी, कुछ नहीं भेजना, मेरे को बस यहाँ पे डायरेक्टली डेटाबेस में से डेटा उठा के लाना है। तो ये एक गेट एपीआई होगी, मेरे को डेटा निकालना है, सभी यूजर्स का डेटा निकालना है, तो सब वो यूजर्स के नाम से, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास गेट यूजर्स। ठीक है, सारे यूजर्स मेरे को निकालने हैं तो गेट यूजर्स, इसको मेरे को यहीं पे डालना है। तो यहाँ पे मैंने सपोज गेट यूजर्स को यहाँ पे डाला इसके यूजर कंट्रोलर के अंदर। यूजर कंट्रोलर के अंदर चलते हैं, मेरे को यहाँ पे ये वाला फंक्शन बनाना है, तो इसके जस्ट नीचे यहाँ पे इसको बना लेते हैं। मैंने सपोज यहाँ पे लिखा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और गेट यूजर्स इक्वल्स टू, असिंक्रोनस रिक्वेस्ट होगी क्योंकि फिर से मेरे को यहाँ पे डेटाबेस में एक हिट मारनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा असिंक, और मैंने आपको क्या बोला था, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आता है आपके पास। ठीक है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, और बिल्कुल सही है। ट्राई और कैच लगा के आपको यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग मैंने यहाँ पर की, अब मेरे को डेटा निकालना है कौन सी कलेक्शन में से, यूजर्स कलेक्शन में से। तो मेरे को यहाँ पे यूजर का मेरे को यहाँ पे हेल्प लेनी पड़ेगी, और यूजर की हेल्प से अब मैं यहाँ पे फंक्शन अपने यूज कर सकता हूँ डेटा को निकालने के लिए। मेरे पास यहाँ पे फाइंड फंक्शन है, फाइंड वन है, फाइंड मैनी है। आपने यहाँ पे फाइंड वन फंक्शन का यूज किया था एक डेटा को निकालने के लिए, बट मेरे को यहाँ पे काफी सारे डेटा चाहिए, मेरे को यहाँ पे पूरा एक ऑब्जेक्ट निकालना है, तो मैं यहाँ पे फाइंड फंक्शन का यूज करूंगा। और आपको अगर कोई कंडीशनली निकालना है डेटा, जैसे मैंने यहाँ पे डेटा को कंडीशनली निकालना था, मैंने यहाँ पे सब मैच कराया था, अगर सब यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट सब से मैच होता है तो मेरे को वाला ऑब्जेक्ट चाहिए, बट मेरे को यहाँ पे सारा डेटा निकालना है तो आपको यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा। एम्प्टी ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे सारा डेटा चाहते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। एक असिंक्रोनस रिक्वेस्ट होगी, एक प्रॉमिस रिटर्न होगा, तो आपको यहाँ पे इसको अवेट लगाना पड़ेगा। और सपोज यूजर्स मैंने यहाँ पे इसको लिखा यूजर्स इज इक्वल टू अवेट यूजर डॉट फाइंड, और आप अब आपको यहाँ पे इसको रिस्पॉन्स को रिटर्न करना है, बस इतना सा काम है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या किया स्टेटस डॉट 200 डॉट जेसन, और जेसन के अंदर आपने यहाँ पे जो आपके यूजर्स हैं उसको आपने यहाँ पे इसके अंदर पास कर दिया। बाय चांस अगर सपोज एरर आते तो आपको यहाँ पे लिखना है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस और स्टेटस 500, 500 होता है आपका इंटरनल सर्वर एरर, और यहाँ पे आपको एरर डॉट मैसेज, जो भी आपके यहाँ पे एरर मैसेज है वो आपने यहाँ पे रिटर्न करवा दिया। बिल्कुल ठीक है, गेट रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट का मेरे को यहाँ पे कोई यूज करना नहीं। ठीक है, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट में मेरे पास ऐसा फ्रंट एंड से कुछ आता नहीं है, अगर बॉडी आती है, पैरम्स आते हैं, हेडर्स की अगर मेरे को जरूरत है तो इसको हम यूज कर सकते हैं, वरना इससे काम काम हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को एक एपीआई बनानी पड़ेगी, एपीआई में मेरे को यहाँ पे यूजर्स को गेट करना है,
ठीक है, यहाँ पे अब मेरे को आपके यूजर्स को गेट करना है, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक एपीआई बनानी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे लिखा सपोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और गेट यूजर्स, जितने भी आपके डेटाबेस में सभी यूजर्स हैं उनको मेरे को यहाँ पे गेट करना है। पीछे से कोई डेटा नहीं आएगा क्योंकि आपकी ये एक क्या कहते हैं उसको, एक गेट एपीआई है। ठीक है, यहाँ पे जो पीछे से डेटा आया था ये पोस्ट एपीआई की बॉडी थी, बट यहाँ पे हमारे पास गेट एपीआई है तो पीछे से ऐसा कुछ आएगा नहीं। अवेट लगाया मैंने, ठीक है, एक्सियोस डॉट, अब एक गेट एपीआई है तो आपको यहाँ पे गेट लिखना है। ठीक है, यूआरएल क्या है हमारा, उसको आपको यहाँ पे कंकैट करना है। मैंने यहाँ पे यूआरएल लिखा, और क्या आपका एंड पॉइंट, जो आपका एंड पॉइंट हिट करना है वो आपको यहाँ पे यूजर्स एंड पॉइंट हिट करना है, तो आपको यहाँ पे यूजर्स डालना पड़ेगा एंड दैट्स इट, बस इतना सा काम है। इसका एक रिस्पॉन्स भी आता है, तो आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स निकालना है। रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट अगर आप देखोगे तो काफी कुछ आता है उसमें, लेकिन जो एक्चुअल डेटा अपने पास होता है रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर, वो आपका होता है रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर। ये मैं अब अभी आपको दिखा भी दूंगा। रिस्पॉन्स डॉट डेटा मैंने यहाँ पर लिखा, कंसोल डॉट लॉग करा के मैं अगर यहाँ पे रिस्पॉन्स को प्रिंट करूँ तो रिस्पॉन्स के अंदर एक रिस्पॉन्स डॉट डेटा आता है, उसके अंदर सारा डेटा आता है। ट्राई के बाद आपको यहाँ पे कैश लगाना पड़ेगा। ठीक है, एरर यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं, कोई अगर एरर आती है एपीआई कॉल करते हुए, तो एरर वाइल कॉलिंग गेट यूजर्स एपीआई क्या एरर है वो भी प्रिंट करवा लेते हैं, तो एरर डॉट मैसेज, बिल्कुल सही है। तो एरर मैसेज मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया। अब आपको यहाँ पे क्या काम करना है, अब आपको यहाँ पे ये वाली एपीआई को कॉल करना है। इस एपीआई को आपको कॉल कब करना है, जैसे मेरा यहाँ पे कॉम्पोनेंट लोड होगा, कॉम्पोनेंट के लोड होते ही मेरे को एपीआई को कॉल कर देना है। तो कॉम्पोनेंट डेड माउंट पे मेरे को एपीआई को कॉल करना है। कॉम्पोनेंट डेड माउंट, यहाँ पे हमारे पास एक लाइफ साइकिल मेथड होता है जो कि होता है कॉम्पोनेंट डेड डेड माउंट, जो कॉल होता है अपने आप जब आपका कॉम्पोनेंट माउंट होता है इनटू द डॉम, मेरे को तभी कॉल करना है उसको। बट कॉम्पोनेंट डेड माउंट आप क्लास बेस्ड कॉम्पोनेंट्स में यूज करते हो, यहाँ पे उसकी रिप्लेसमेंट है यूज इफेक्ट। तो आपको यहाँ पे अपने सेकंड हुक मतलब थर्ड हुक, दो हुक हम यहाँ पे ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, यूज स्टेट एंड यूज कॉन्टेक्स्ट। थर्ड हुक मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ जो कि है आपका यहाँ पे यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट का मैंने यहाँ पे सपोज इसको इम्पोर्ट किया, यूज इफेक्ट को आपको यहाँ पे कॉम्पोनेंट के माउंट होते ही आपको यहाँ पे एपीआई कॉल करनी है, तो मैंने यहाँ पे यूज इफेक्ट के साथ मैंने यहाँ पे इस एपीआई को कॉल किया। आपको यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है, सपोज यहाँ पे फेच डेटा के नाम से, सपोज मैंने यहाँ पे ये वाला फंक्शन बनाया और इसके अंदर यहाँ पे हम एपीआई कॉल कर देंगे, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली इस वाले फंक्शन को यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ जो कि है आपका यहाँ पे फेच डेटा। ठीक है, इस एपीआई को मेरे को कब कॉल करना है, जो यूज इफेक्ट होता है वो दो आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट होता है आपका कॉल बैक फंक्शन, जहां पर आप कुछ भी आपको यूज इफेक्ट के साथ क्या करना है वो आप इसके अंदर डिफाइन करते हो। सेकेंड आर्ग्यूमेंट होता है इसका डिपेंडेंसी एरे, कि आपको इस यूज इफेक्ट को कब कॉल करना है। मेरे को इस यूज इफेक्ट को सिर्फ एक बार कॉल करना है, जब मेरा कॉम्पोनेंट माउंट होगा उस टाइम एपीआई कॉल कर देगा, सारा डेटा उठा लाएगा। तो आपको यहाँ पे एक एम्प्टी एरे पास करना पड़ेगा उस केस में। एम्प्टी एरे मैंने यहाँ पे उस केस में पास किया, बहुत सही। अब यहाँ पे मेरे को वाली एपीआई कॉल करनी है जो है आपके यहाँ पे गेट यूजर्स एपीआई, तो इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सपोज मैंने लिखा गेट यूजर्स, कहाँ से आएगा, एक फोल्डर बाहर जाना पड़ेगा आपको, और एक फोल्डर और बाहर जाना है, एक फोल्डर और बाहर जाना है, और यहाँ पे आपके पास सर्विस के नाम से होगा, और यहाँ पे एपीआई के नाम से एक फाइल है। अब यहाँ पे आपको जो आपकी गेट यूजर्स एपीआई है इसको आपको यहाँ पे कॉल करना है। ठीक है, गेट यूजर्स एपीआई मैंने यहाँ पे कॉल करी, असिंक्रोनस फंक्शन है तो यहाँ पे आपको अवेट लगाना पड़ता है, अवेट चलते हैं असिंक फंक्शन के अंदर, तो आपको यहाँ पे असिंक लगाना पड़ेगा। एक रिस्पॉन्स भी आएगा पीछे से, तो यहाँ पे सपोज मैंने लिखा रिस्पॉन्स इज इक्वल टू दिस दिस दिस, बिल्कुल सही है। इस रिस्पॉन्स को मेरे को कहीं पे स्टोर करवाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मेरे को इस एक स्टेट भी बनानी पड़ेगी, उस स्टेट के अंदर हम जो डेटा है, जो मेरा एपीआई का रिस्पॉन्स है, उसको मैं यहाँ पे स्टोर करवा सकता हूँ। तो सपोज यूजर्स का डेटा आ रहा है, तो यूजर्स के नाम से ही मैं यहाँ पे इसको स्टेट को बना लेता हूँ, और वो एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हमेशा एरे की फॉर्म में आते हैं, तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ एक एम्प्टी एरे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एम्प्टी एरे डाला, और अब ये जो रिस्पॉन्स है इसको मेरे को यूजर्स के अंदर सेट करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स को मैंने इसके अंदर यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ कि आपके पास यहाँ पे एक एपीआई हिट होगी, अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाऊँ कि सपोज इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, मेरे को यहाँ पे फिर से इसको लॉग इन करना पड़ेगा। तो लॉग इन किया मैंने यहाँ पे इसको, सबसे पहले तो आपकी एड वाली एपीआई कॉल होगी, फिर आपकी यहाँ पे गेट वाली एपीआई कॉल होगी। आप यहाँ पे देखो एड यूजर्स आपका यहाँ पे कॉल हुआ, फिर आपका यहाँ पे गेट यूजर्स कॉल हुआ, इसने मेरे को यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट्स ला के दे दी। आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे डेटाबेस में सिर्फ दो ही ऑब्जेक्ट्स हैं, और दोनों ऑब्जेक्ट्स इसने मेरे को दे दिए पूरे। आप यहाँ पे ये आपका प्रीव्यू है रिस्पॉन्स, अगर आप देखो तो यहाँ पे पूरा आपका एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, इस रिस्पॉन्स को आप यहाँ पे प्रीव्यू कर सकते हो। और यहाँ पे आपके पास डेटाबेस में जो दो जो आपके दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स इसने मेरे को यहाँ पे ला के दे दिए।
ठीक है, कंसोल पे मैं आपको दिखा रहा था कि रिस्पॉन्स आता है आपके पास, या आपके पास यहाँ पे रिस्पॉन्स आया है। मैंने आपको क्या बोला था, एपीआई के अंदर कि यहाँ पे रिस्पॉन्स जो होता है उसमें काफी सारी चीजें आती हैं, बट जो एक्चुअल डेटा होता है वो आपके डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, जो रिस्पॉन्स के अंदर आता है। ये पूरा आपका रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जो डेटा है उसके अंदर मेरे पास ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आया है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा को रिटर्न किया है। ठीक है, इसको हटाते हैं, इसकी अब हमें कोई जरूरत नहीं है। तो बहुत सही, यहाँ पे मेरे पास डेटा सारा आ चुका है और डेटा को मैंने यहाँ पे इसके अंदर डलवा दिया, इस वाली स्टेट के अंदर। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, आपके डेटा को मेरे को यहाँ पे लूप करना है। ठीक है, मेरे को यहाँ पे डेटा को आपके लूप करना है, तो आपको यहाँ पे एक सपोज बॉक्स लिखा मैंने यहाँ पे, और बॉक्स के साथ, बॉक्स मतलब यहाँ पे डिव है, मटेरियल यू आई एक बॉक्स को एक डिव देता है। मेरे को यहाँ पे इसको लूप करना है यूजर्स को, क्योंकि हम यहाँ पे मेरे पास यूजर्स, मेरे पास एक एरे है जिसमें सारा एरे, जिसमें मेरे पास सारा डेटा है, तो इस यूजर्स को मेरे को अब यहाँ पे मैप करना पड़ेगा। हम यहाँ पे लूप करने के लिए मैप फंक्शन का यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे ये आपको एक एक यूजर देगा, एक पर्टिकुलर यूजर मैप करते हुए, और उसके अंदर से आप फिर यहाँ पे जो क्या बोलते हैं उसको इसके अंदर से आप यहाँ पे अपना जो डेटा है, अपने जो मतलब यूजर्स हैं उसको यहाँ पे आप डिस्प्ले करवा सकते हो। यूजर्स को डिस्प्ले करवाने के लिए मेरे को यहाँ पे एक और कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, जो कि होगा आपका यहाँ पे कन्वर्सेशन के नाम से। ठीक है, कन्वर्सेशन के नाम से मैं यहाँ पे एक और एक बना रहा हूँ। ठीक है, आप अगर चाहो तो वहीं पर ही डलवा सकते हो, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप एक डिफरेंट फंक्शनैलिटी के लिए एक डिफरेंट कॉम्पोनेंट बनाओ। यहाँ पे ये जो मेरा कन्वर्सेशन ऑब्जेक्ट है, कन्वर्सेशन जो मेरा यहाँ पे ये है, ये आपका यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो आपका यूजर है उसके डेटा को डिस्प्ले करवाएगा। दिखाता हूँ, देखो कैसे होगा। दिस इज फॉर वन यूजर। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिखा और इसको एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे मैंने लिखा सपोज कन्वर्सेशन, और बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आपको इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्सेशन को यहाँ पे ऊपर इम्पोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कमेंट डाल रहा हूँ कि ये आपके सभी यहाँ पे कॉम्पोनेंट्स इम्पोर्ट हैं। कॉम्पोनेंट्स की स्पेलिंग गलत हो गई, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है इम्पोर्ट, और कन्वर्सेशन कहाँ से आएगा, कन्वर्सेशन से आएगा, और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर आपको सिंपल कन्वर्सेशन को एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग यहाँ पे डालना है। यूजर्स के अंदर दो ऑब्जेक्ट थे तो आपका ये दो बार यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, बट उससे पहले यहाँ पे एरर दे रहा है। आपको यहाँ पे बॉक्स को इम्पोर्ट करना है, मटेरियल यू आई से आपका आएगा, तो बॉक्स को मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट किया एट द रेट MUI स्लैश मटीरियल, परफेक्ट। स्लैश मटीरियल से यहाँ पे ये आगे कंपाइल होने दे देते हैं। ये जो लाइन है आपकी यहाँ पे, दिस इज फॉर वन यूजर, ये दो बार प्रिंट होगी, क्योंकि क्योंकि आपके पास जो यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है उसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसको सबसे पहले तो भाई ये बोल रहे हैं ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पे लॉग इन करो, लॉग इन कर लेते हैं। आप यहाँ पे देखो, दिस इज फॉर वन यूजर, ये यहाँ पे दो बार प्रिंट हुआ है। ठीक है, ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये आपके यहाँ पे दो बार प्रिंट हुई है। अब यहाँ पे अब मेरे को क्या काम करना है कि आपके पास यहाँ पर जो सारा डेटा है वो आपके पास है, आपके पास जो यूजर का सारा डेटा है वो यहाँ पे इसके अंदर है, तो आप यहाँ पे यूजर इज इक्वल्स टू यूजर का करके ये जो सारा डेटा है आप यहाँ पे इसके अंदर पास कर सकते हो। आपने क्या किया, ये जो सारा डेटा है आपने यहाँ पे एज अ प्रॉप पास किया, यूजर आप यहाँ पे एज अ प्रॉप पास कर रहे हो, तो आप यहाँ पे यूजर को यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करके निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अब मेरे को क्या काम करना है, यहाँ पर मेरे को दो चीजें चाहिए डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए, एक तो बॉक्स चाहिए और मेरे को यहाँ पे एक तो टाइपोग्राफी चाहिए। तो बॉक्स और टाइपोग्राफी दोनों को यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेते हैं। कहाँ से आएगा, यह आएगा आपका यहाँ पे MUI मटीरियल से। ठीक है, अब यहाँ पे पूरे पेरेंट को मैं यहाँ पे रैप कर रहा हूँ आपके बॉक्स से। ठीक है, बॉक्स से मैंने यहाँ पे इसको रैप किया, और मेरे को सबसे पहले इमेज चाहिए। आप अगर देखो यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे व्हाट्सएप होता है ना, वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, एक आपका यहाँ पे लेफ्ट वाला पार्ट होता है, ठीक है, फिर एक आपका यहाँ पे राइट वाला पार्ट होता है, तो दो हिस्सों में यहाँ पे डिवाइडेड होता है। तो मैंने यहाँ पे एक पेरेंट बनाया, उसके अंदर दो हिस्से हैं, एक तो लेफ्ट वाला पार्ट है और एक यहाँ पे राइट वाला पार्ट है। लेफ्ट वाला जो पार्ट है उसके अंदर आपके पास यहाँ पे इमेज आएगी, इमेज हम निकाल सकते हैं यूजर डॉट पिक्चर के अंदर से। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था कि आपके पास यहाँ पे पिक्चर होती है, पिक्चर एक ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे, पिक्चर यूजर के अंदर यहाँ पे पिक्चर एक ये होता है, आप इसके अंदर से यहाँ पे ये निकाल सकते हो। सपोज DP मैंने यहाँ पर लिखा और 10, परफेक्ट है, तो ये यहाँ पर आपका आ जाएगा। एक सेकेंड चला के देख लेते हैं चल रहा है क्या। तो यहाँ पे सपोज ये लिखा मैंने, और आप यहाँ पे देखो दोनों जो ये हैं आपके यहाँ पर आ चुके हैं, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर आपको एक काम करना है, इसके अंदर यहाँ पर एक और बॉक्स ले लेते हैं, और इसके यहाँ पे मेरे को टाइपोग्राफी के साथ आपका यहाँ पे वो लिखना है, क्या कहते हैं जो आपके यहाँ पे नेम है, तो नेम आ जाएगा आपका यूजर डॉट नेम में से। ठीक है, चला के दिखाऊँ मैं आपको, तो यहाँ पे आपका नेम भी आना चाहिए। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर आपका नेम भी आया है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल सही है। CSS मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी हैंडल करनी पड़ेगी, तो वो आप हैंडल कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा स्टाइल्ड,
और स्टाइल के बाद आपको यहाँ पर लिखना है कॉन्स्ट, ठीक है। कॉन्स्ट सपोज कंपोनेंट मैंने मैंने यहाँ पर लिखा, और इज इक्वल्स टू कॉन्स्ट कंपोनेंट इक्वल्स टू स्टाइल, और यहाँ पर आपका आ जाएगा बॉक्स, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर डालूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले और फ्लेक्स मैंने यहाँ पर लिखा, ताकि जो आपका इमेज और नेम है वो दोनों एक ही लाइन में आ जाए। तो यहाँ पे सपोज मैंने ये डाला, और यहाँ पे जो आपका पेरेंट है उसको मैंने यहाँ पे फिर प्लेस किया। आपका जो नेम है और जो इमेज है वो एक एक लाइन में आएंगे, बिल्कुल ठीक है। इसमें मेरे को जो हाइट है उसको यहाँ पे आपको फिक्स करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी ये हाइट उठा रहा है, ठीक है। हाइट यहाँ पे एक फिक्स रहेगी। थोड़ी सी पैडिंग चाहिए मेरे को यहाँ पे, पैडिंग लेते हैं सपोज यहाँ पे 13 पिक्सल्स, और 0 मतलब टॉप और बॉटम से 13 पिक्सल्स और लेफ्ट और राइट से 0, कुछ इस तरह। नाइस। अब यहाँ पे इमेज की जो सी एस एस है उस पर काम है, लेकिन यहाँ पे ये एरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इस टाइम पे कर्सर पॉइंटर होना चाहिए आपका। तो यहाँ पे सपोज कर्सर मैंने लिया यहाँ पे पॉइंटर, ठीक है। कर्सर पे पॉइंटर क्या 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 करता है, ये आपका जो हैंड टाइप होता है वो लाता है कुछ इस तरह। ये जो आपका यहाँ पे उंगली दिखा रहा है ना, कर्सर पॉइंटर से आता है, ठीक है। इमेज के मेरे को यहाँ पे सी एस एस चेंज करनी है, तो यहाँ पे सपोज मैंने स्टाइल लिखा IMG और IMG, ठीक है। ये मैंने आपको पीछे बताया हुआ कि आपको कैसे इसको चेंज करना है, ठीक है। विथ में सपोज यहाँ पे रख रहा हूँ 50, और हाइट भी रखते हैं 50, ताकि एक स्क्वायर शेप एक इमेज आ जाए। वैसे तो अगर आप विथ 50 दोगे तो विथ 50 के हिसाब से वो हाइट अपने आप मैनेज कर लेता है, हाइट आपको अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी कंपाइल होने देते हैं, कंपाइल हो चुका है। आप यहाँ पे देखो इमेज आपकी सही आ चुकी है। बॉर्डर रेडियस में को यहाँ पे देना पड़ेगा, तो बॉर्डर और रेडियस देते हैं। बॉर्डर रेडियस कितना चाहिए, यहाँ पे चाहिए मेरे को 50%, तो 50% मैंने यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दिया, बिल्कुल सही है। थोड़ी सी पैडिंग चाहिए मेरे को यहाँ पे, लेफ्ट से भी पैडिंग चाहिए, तो टॉप से तो मेरे को यहाँ पे कोई पैडिंग चाहिए, लेफ्ट और राइट से मेरे को यहाँ पैडिंग चाहिए 14 पिक्सल्स, ठीक है। तो अब अभी अगर आप देखो तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल मस्त है, ठीक है। एक और चीज है यहाँ पे ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट फिट कवर। वैसे फर्क इससे पड़ेगा नहीं, देखते हैं, तो थोड़ा सा जूम हो जाए, बस मैं ये चाहता था। इससे फर्क पड़ेगा नहीं। अब अगर आप यहाँ पे एक चीज देखो ना, कि यहाँ पे जिस यूजर से मैंने लॉग इन किया हुआ है वो वाला यूजर भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप यहाँ पे जिस यूजर से आपने यहाँ पे लॉग इन किया हुआ है वही सेम यूजर यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, तो आपको इस वाले यूजर को यहाँ पे रिमूव करना है। कैसे कर सकते हैं आप, आपको यहाँ पे कन्वर्सेशंस में आना है, और आपको जो जिस यूजर से आपने लॉग इन किया हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन को आपको इम्पोर्ट करना है। वो हमने कॉन्टेक्स्ट में सेव कराई हुई है, तो आप कॉन्टेक्स्ट में से उसकी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे किया अकाउंट कॉन्टेक्स्ट से, अकाउंट कॉन्टेक्स्ट से किस नाम से, अकाउंट कॉन्टेक्स्ट के नाम से ये किया, हाँ अकाउंट कॉन्टेक्स्ट के नाम से, ठीक है। अकाउंट कॉन्टेक्स्ट के नाम से यहाँ पे मैंने इसको इम्पोर्ट किया, और ये आ जाएगा आपको कॉन्स्ट, और किस नाम से मेरे को देखना पड़ेगा एक मिनट, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो किस नाम से, वो है आपके यहाँ पे अकाउंट के नाम से। तो आपने यहाँ के अकाउंट को आपने यहाँ पे इम्पोर्ट किया, कहाँ से आएगा यूज कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका अकाउंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, अकाउंट, और ये आ जाएगा आपका कॉन्टेक्स्ट, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे इसके अंदर आप यहाँ पे एक चेक लगा सकते हो, ठीक है। इसके अंदर आप यहाँ पे एक आप यहाँ पे चेक लगा सकते हो कि अगर आपका यूजर डॉट सब, सब यहाँ पे एक यूनिक की है, हर एक अकाउंट की यूनिक की होती है, तो यहाँ पे जो यूनिक की है वो आपके सब के नाम से, तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि जो यूजर है उसका जो सब है वो इक्वल नहीं होना चाहिए अकाउंट के सब से। अकाउंट जिस अकाउंट से आपने यहाँ पे लॉग इन किया हुआ है, अगर उसका उसका जो अकाउंट नंबर है और ये वाला जो अकाउंट नंबर है वो अगर यहाँ पे सेम है, तो आपको उस केस में कन्वर्सेशन को कॉल नहीं करना। बट अगर ये डिफरेंट है तो उस केस में आपको यहाँ पे कन्वर्सेशन को कॉल करना है। इतना सा काम करना है आपको। इसको सेव कराया मैंने, सेव करवाया, चला के दिखाता हूँ आपको। तो अब यहाँ पे सिर्फ एक ही यूजर है, ठीक है। एक और यूजर से सपोज यहाँ पे लॉग इन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको, तो सपोज जो यहाँ पे सेकंड वाला यूजर है उससे मैं यहाँ पे लॉग इन कर रहा हूँ, और आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे दो अकाउंट्स हैं, ठीक है। वापस उसी से ही लॉग इन करते हैं और यहाँ पे मेरे पास ये वाला यूजर है। अब आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे दो अकाउंट्स आ चुके हैं, बट एक टाइम पे आके ऐसा होगा कि मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट्स होंगे और ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो उस केस में मेरे को यहाँ पे कुछ चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। जैसे अगर आप यहाँ पे कन्वर्सेशंस में आओगे, तो यहाँ पे मेरे को ये जो यहाँ पे इसकी हाइट मेरे को यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी। अगर वो हाइट क्रॉस होती है तो उसमें स्क्रॉल बार आना चाहिए, ताकि मेरे को जो डेटा है वो वहाँ पे दिखता रहे। तो उस केस में मतलब जो आपके कॉन्टेक्ट है वो सारे मेरे को वहाँ पे दिखते रहे। अभी तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ दो ही ईमेल आईडीज हैं, मतलब टोटल तीन ईमेल आईडीज हैं। अगर अपनी वाली मैं हटा दूँ तो मैंने यहाँ पे उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे डेटा डाला है। बट अगर सपोज कल को मेरे पास मल्टीपल ईमेल आईडीज आती है और वहाँ पे बहुत सारे यूजर्स आते हैं, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे पहले से ही तैयारी करके रखनी है। तो हाइट में यहाँ पे डाल रहा हूँ, हाइट में यहाँ पे डाल रहा हूँ 81 BH, ठीक
ठीक है। और ओवरफ्लो के केस में, अगर ओवरफ्लो हो जाता है, सपोज ओवरफ्लो होता है कि आपका डेटा आपका बाहर निकल गया, तो उस केस में आपको यहाँ पे ओवरले डालना है, कॉम्पोनेंट को आपको यहाँ पे उठाना है और यहाँ पे जो आपका बॉक्स है उससे आपको यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देना है। बहुत बढ़िया, बस इतना सा आपको यहाँ पे काम करना है। कंपाइल होने देते हैं, या इसका आपको अभी फर्क नहीं दिखेगा, इसका आपको फर्क तब दिखेगा जब आपके पास यहाँ पे काफी सारे यूजर्स होंगे और वो आपका यहाँ से इससे बाहर निकल जाएंगे। मेरे को यहाँ पे एक चीज और चाहिए, एक चीज मेरे को यहाँ पे और चाहिए। अगर आप यहाँ पे MUI में जाओगे तो हमारे पास यहाँ पे एक चीज होती है जो कि डिवाइडर होता है, क्योंकि आप यहाँ पे देखो तो दो कॉन्टेक्स्ट के बीच में मेरे पास यहाँ पर एक लाइन है, ये लाइन मेरे को डालनी है। तो ये लाइन आती है आपके यहाँ पे डिवाइडर की हेल्प से। ये मैंने आपको शायद लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी दिखाया था कि हमारे पास यहाँ पे डिवाइडर के नाम से कंपोनेंट होता है जो हमें यहाँ पर इस तरह की लाइन देता है, और ये इस तरह की लाइन के लिए आपको यहाँ पे जो डिवाइडर है उसका यहाँ पे आपको यूज करना होता है। तो वापस आना है आपको, और यहाँ पर आपको डिवाइडर को आपको यहाँ पे इम्पोर्ट करना है, ठीक है। डिवाइडर को इम्पोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ये जो आपका कन्वर्सेशन है इसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे डिवाइडर को पेस्ट कर देना है। तो उससे पहले मेरे को यहाँ पे इसको फ्रेगमेंट से रैप करना पड़ेगा, क्योंकि दो कॉम्पोनेंट्स को मैं रिटर्न नहीं कर पाऊंगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको फ्रेगमेंट से रैप किया और मैंने यहाँ पे सपोर्ट डिवाइडर लिखा। अब डिवाइडर लिखने के बाद, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास यहाँ पे डिवाइडर आ जाएगा, बट मेरे को डिवाइडर यहाँ से स्टार्ट करना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो आपका जो डिवाइडर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उस केस में मेरे को यहाँ पे इसको डिवाइडर की जो सीएसएस है उसको मेरे को यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा था वो स्टाइल डिवाइडर इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे आ जाएगा आपका स्टाइल्ड और डिवाइडर, ठीक है। और मेरे को यहाँ पे मार्जिन देना है, मार्जिन आपको कितना देना है, ऊपर से 0, राइट से 0, लेफ्ट से 0, मतलब बॉटम से 0, लेफ्ट से यहाँ पे आ जाएगा 70 पिक्सल, ठीक है। 70 पिक्सल मैंने यहाँ पे मार्जिन दिया। तो जैसे ही आप यहाँ पे स्टाइल डिवाइडर को आप यहाँ पे स्टाइल डिवाइडर से रिप्लेस करोगे और आप यहाँ पे देखोगे तो अब जो आपका यहाँ पे ये है ये आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर दिया। थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर मेरे को यहाँ पे चेंज चेंज करना है। बैकग्राउंड कलर जो उन्होंने वहाँ पे डाला हुआ है अपने, उसका वो डाला हुआ है उन्होंने E9, ED, EF, E9, ED एंड EF, ठीक है। ये बैकग्राउंड कलर उन्होंने वहाँ पे डाला हुआ है। तो इसका अगर आप देखोगे तो इस टाइम पे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज होना चाहिए। क्या हुआ, चेंज हुआ है क्या ब्रो? एक तो कलर भी ऐसा ही है पता भी नहीं चल रहा। एक सेकंड मेरे को देखना पड़ेगा कि एक कलर, वैसे तो चेंज हो चुका है, मेरे को दिख रहा है डिफरेंस। एक सेकंड कंफर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो कहाँ पे गया आपका डिवाइडर, ये रहा। तो हाँ, कलर आपका यहाँ पे चेंज हो चुका है, लेकिन इसको मेरे को थोड़ा सा लाइट करना है। तो ओपेसिटी अगर मैं यहाँ पे 0.6 डाल दूंगा, हाँ, तो ये लाइट हो जाएगा। तो मेरे को यहाँ पे यही करना है। ओपेसिटी आपको यहाँ पे चेंज चेंज करनी पड़ेगी, इसको थोड़ा सा लाइट करना है। तो ओपेसिटी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 0.6, क्योंकि आप 6 नहीं डालना, 0.6, क्योंकि आप अगर यहाँ पे इनका देखो ना, इनका भी यहाँ पे काफी लाइट है। तो यहाँ पे इसको मैंने थोड़ा सा लाइट किया 0.6 डाल के। तो आई होप क्लियर हुआ होगा इस वीडियो में, बस इतना ही। एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो हम यहाँ पे अपने कॉन्टेक्ट को हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ पे किसी भी कॉन्टेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो उस कॉन्टेक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है, उस कॉन्टेक्ट से रिलेटेड जो चैट है, वो राइट हैंड साइड यहाँ पे खुलनी चाहिए। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इसको हम कैसे अंजाम दे दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे अपना जो राइट हैंड साइड वाला कॉम्पोनेंट है इस पे काम करेंगे, हेडर बनाएंगे, बीच में चैट का सेक्शन बनाएंगे, फूटर बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसके क्लिक पे, जो यहाँ पे ये है, इन अकाउंट्स के क्लिक पे यहाँ पे हम अपने जो चैट है वो खोलेंगे। तो ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो यार, लाइक करना। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करना। आप हमें फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर आपको सर्च करना कोड फॉर इंटरव्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।